नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए, कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8560509906089752383445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स नजदीक आ रहा है और आपको लगातार प्रैक्टिस करनी है, तो मॉक टेस्ट की श्रृंखला उसी उद्देश्य से दी जा रही है। इसके बहुत सारे टेस्ट वीडियोस के माध्यम से आपने देखे हैं। यहाँ पर हम पॉलिटी के एमसीक्यूज देखने वाले हैं। ये टेस्ट नंबर 1 है पॉलिटी का और इसमें 100 अच्छे वाले एमसीक्यूज हैं। तो शुरू करते हैं प्रैक्टिस करने के उद्देश्य से, अपनी कमियों को दुरुस्त करने के उद्देश्य से ये बढ़िया है। पहला प्रश्न आपसे पूछ रहा है और इसमें बाइलिंगुअल फॉर्मेट है, आप अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कर सकते हैं। देखिए पहले प्रश्न में पूछा गया कि सही विकल्प कौन सा है बताइए। तो देखिए इसमें कहा जा रहा है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का जो था उसके माध्यम से कलकत्ता का जो फोर्ट विलियम है वहां पे सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। मतलब जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी एस्टैब्लिशमेंट होती है फोर्ट विलियम कलकत्ता में, और वो किस माध्यम से होती है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा होती है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि सुप्रीम कोर्ट की एस्टैब्लिशमेंट होती है 1773 में, मतलब ये तो बता दिया गया कि किस अधिनियम के माध्यम से होती है, लेकिन एस्टैब्लिश कब किया जाता है वो एग्जैक्ट डेट यहां दी हुई है 1773 यानी 1773। और तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि सर एलिजा इम्पे वाज इट्स फर्स्ट चीफ जस्टिस, सर एलिजा इम्पे जो है वो इसके पहले मुख्य न्यायाधीश थे। तो ये तीन कथन है, आप देखकर बताएं कि सही कौन सा है। ध्यान से देखिएगा और अपने उत्तर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। सी वाले को इसलिए हमने इसमें से चुना है क्योंकि इसमें पहला स्टेटमेंट और तीसरा वाला सही है। रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से कलकत्ता के फोर्ट विलियम में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है, एकदम सही बात है। और ये आप देख रहे हैं सर एलिजा इम्पे जो है ये पहले मुख्य न्यायाधीश थे। लेकिन जो सेकंड स्टेटमेंट है उसे जरा ध्यान से देखिएगा, इसे साफ कर लेते हैं। देखिए सेकंड वाले को देखिए, एस्टैब्लिशमेंट का समय सही नहीं दिया है। जो सुप्रीम कोर्ट है कलकत्ता का वो एस्टैब्लिश होता है 1774 में और यहां पर कितना दिया है 73 दिया है, तो ये रॉन्ग है। जो सही था वो हमें खोजना था तो हमने सी को चुन लिया। अगले प्रश्न को देखते हैं, दूसरे वाले में भी सही विकल्प की तलाश करने के लिए कहा जा रहा है। तो यहां पर ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, स्टेटमेंट को देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि कोई भी भारतीय या क्राउन का मूल निवासी अपने धर्म, जन्म स्थान, आनुवांशिकता, वर्ण या इनमें से किसी भी कारण से कंपनी के अधीन कार्यालय या सेवा के लिए अयोग्य नहीं होगा। ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जाने अनजाने में ही सही, लेकिन ये उठाया गया प्रशंसनीय कदम था। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये कौन से चार्टर अधिनियम से जुड़ा हुआ है ये आपको बताना है। बताएं इसमें बर्थ, हेरिडिटी, कास्ट, किसी भी माध्यम से उसे उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो इसमें देखिए चार्टर एक्ट 1786 है, इसके अलावा 1793 है, 1813 है और 1833 है। राइट आंसर क्या होना चाहिए इसमें से, चार्टर एक्ट 1833 1833 वाला जो चार्टर अधिनियम था उसके माध्यम से ये प्रावधान किया जाता है कि किसी भी इस भेदभाव के जरिए अयोग्यता सिद्ध नहीं होगी। ठीक, इसके बाद तीसरे प्रश्न को देखते हैं। यहां पर कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, स्टेटमेंट क्या है एक तरह से मिलान किया हुआ है, उसमें से सही की तलाश आपको करनी है। तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का और इसकी एस्टैब्लिशमेंट, मतलब पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से एस्टैब्लिशमेंट होती है बोर्ड ऑफ कंट्रोल की। हर अधिनियम की कुछ विशेषता है तो वो आपको मालूम होनी चाहिए। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना होती है पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से। चार्टर एक्ट जो 1813 वाला है, ध्यान से देखिएगा, 1813 वाला जो चार्टर एक्ट है उसके द्वारा लॉर्ड विलियम बेंटिंक को भारत का पहला गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। बंगाल का गवर्नर जनरल जो है वो भारत का गवर्नर जनरल बन जाता है, और ऐसा बनने वाले लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो है वो पहले थे। तीसरा वाला बता रहा है कि चार्टर एक्ट 1833 का जो था 1833 का, उसके माध्यम से ईसाई मिशनरियों को भारत में काम करने की अनुमति, और कैसा काम, तो वही प्रबुद्ध करने का काम। प्रबुद्ध का मतलब कमोबेश धर्मांतरण वाला काम होता था। तो आप ये बताइए कि इसमें सही कौन सा है, ये पूरा मिलान करके दिया हुआ है, नीचे विकल्प आप देख रहे हैं। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा, केवल पहला वाला सही है। ये जो दिया हुआ है ना 1784 पिट्स इंडिया एक्ट का, कि इसके माध्यम से एक नियंत्रण परिषद यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल एस्टैब्लिश होता है, ये परफेक्ट है। लेकिन बाकी जो जानकारियां हैं उसे आप देखें तो 1813 का जो अधिनियम था उसके माध्यम से ये जो क्रिश्चियन मिशनरीज थी इनको ये अलाउ किया जाता है कि ये भारत में आके अपना काम कर सकती है, यानी वही धर्म प्रचार वाला काम और धर्मांतरण वाला काम कर सकती है। तो ये किसके माध्यम से होता है, 1813 वाले अधिनियम के माध्यम से होता है। और 1833 वाला जो है उसके माध्यम से जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको भारत का गवर्नर जनरल घोषित किया जाता है। ठीक, और लॉर्ड विलियम बेंटिंक ऐसे बनने वाले पहले व्यक्ति थे, तो केवल पहला सही है। इसके बाद चौथा प्रश्न पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सी विशेषता, किस प्रकार की जो क्वालिटी है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 से भारतीय संविधान में ली गई। अब भारत सरकार अधिनियम 1935 का भी इतिहास काफी पीछे से आपको देखना चाहिए। इसमें शुरुआत होती है 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, ठीक है, भारत सरकार अधिनियम जो आया था 1919 में। और जब वो अधिनियम पास किया जाता है तो अंग्रेजों की उसके पीछे बड़ी महत्वाकांक्षा होती है, तो वो ये तय करते हैं कि अगले 10 साल के बाद इसकी समीक्षा करने के लिए, कि ये जो रिफॉर्म जारी किया था हमने इसके माध्यम से कितना लाभ हमें प्राप्त हुआ है, उसकी समीक्षा के उद्देश्य से एक कमीशन गठित किया जाएगा। लेकिन 10 साल से पहले ही वो काम कर दिया जाता है, साइमन कमीशन के नाम से एक आयोग गठित होता है जिसमें कि सारे यूरोपीय सदस्य होते हैं, बड़ा जमकर विरोध होता है।
लेकिन अंत में साइमन कमीशन अपने रिकमेंडेशन देता है और उसी पर बहस करने के लिए 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में आयोजित किए जाते हैं और अंततः लाख विरोध के बावजूद उसकी जितनी भी रिकमेंडेशन थी लगभग सारी ही आप कहें कि वो 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में शामिल कर ली जाती हैं और बाद में दुर्भाग्यवश जो हमारा 1935 का गवर्नमेंट इंडिया एक्ट था तो वो वाला जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आ जाता है, मतलब अधिकतर अनुच्छेद वहां से लिए गए। अब आपको ये बताना है कि कौन सी विशेषता ये शामिल की गई है भारतीय संविधान में 1935 वाले एक्ट से। ये हिस्ट्री आपको इसलिए बताई ताकि आप इसमें बेस बना सके अपना। तो संघीय योजना यानी फेडरल स्कीम को हमने वहां से लिया है, ऑफिस ऑफ गवर्नर को लिया है, जुडिशियरी को लिया है या पब्लिक सर्विस कमीशन को लिया है, इसमें एक से ज्यादा विकल्प चुनने का ऑप्शन मौजूद है, देखें और बताएं। तो करेक्ट आंसर फोर्थ का क्या हो जाना चाहिए, देखिए इसका डी हो जाएगा। ये सभी विशेषताएं जो है ना ये 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था वहीं से संविधान में डाली गई। प्रश्न संख्या 5 पूछा जा रहा है कि इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने घोषणा की थी कि भारत में ब्रिटिश शासन 30 जून 1948 को समाप्त हो जाएगा, 30 जून 1948 को समाप्त हो जाएगा ऐसा दिया हुआ है। और 3 जून 1947 की बात है, ब्रिटिश सरकार ने यह पूरी तरह से क्लियर कर दिया था कि भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, संविधान सभा है, उसके द्वारा बनाया गया कोई भी संविधान, वो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन बना के देगी, वो भारत के यानी देश के उन हिस्सों पर भी लागू हो सकता है जो कि इसे स्वीकार करने के इच्छुक नहीं है, वो नहीं भी स्वीकार करना चाहते हैं तो भी इसे लागू किया जा सकता है, ऐसा इन्होंने कहा था। तो अब आप ये बताएं कि गलती कहां पर है, ये 5वां आप देख रहे हैं गड़बड़ी दिखाई दे रही है, बी वाले ऑप्शन को चुन लें। मतलब ये है इसमें से हमने बी वाले विकल्प को क्यों चुना, क्योंकि इसमें से दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत है, पहला वाला सही है। 20 फरवरी को ये घोषणा होती है कि मतलब जो 1948 का समय है 30 जून तक का, वहां तक ब्रिटिश शासन भारत से पूरी तरह से बोरिया बिस्तर समेट लेगा, तो ये सही बात है। लेकिन जो दूसरा वाला है उसमें दिक्कत क्या है, 3 जून 1947 को ब्रिटिश गवर्नमेंट ये पूरी तरह से क्लियर करती है कि भारत की संविधान सभा जो कि 1946 में गठित हुई थी उसके द्वारा कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा, कोई भी संविधान बनाया जाएगा, वो देश के सभी हिस्सों पर लागू हो सकता है, लेकिन उन हिस्सों पर लागू नहीं हो सकता है जो कि इसे स्वीकार करना नहीं चाहते, मतलब जबरदस्ती लागू नहीं किया जाएगा। तो इसमें से बी वाले ऑप्शन को बाहर कर लेते हैं। इसके बाद 6वां प्रश्न कहता है कि जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था उसकी कमियों को दूर करने के उद्देश्य से ब्रिटिश पार्लियामेंट की ओर से कौन सा एक्ट पारित किया जाता है जिसे कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। उसका एक नाम है, प्रसिद्ध नाम है एक्ट ऑफ सेटलमेंट, सब कुछ सेटल करने के लिए उसे लाया जाता है। तो बताएं कि वो कौन से समय में आता है, यहां तारीख दी हुई है बताइए। और 6वां प्रश्न जो आप देख रहे हैं इसका करेक्ट आंसर इसमें से डी हो जाएगा, अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781, 1771 का ये संशोधन अधिनियम था जिसके माध्यम से रेगुलेटिंग एक्ट में जो खामियां रह गई थी, कोई भी चीज बनती है तो वो 100% परफेक्ट नहीं होती है, उसमें मॉडिफिकेशन की आवश्यकता होती है, तो उसे मॉडिफाइड किया गया इसके माध्यम से, संशोधित किया गया, ठीक है। इसके बाद 7वें प्रश्न में कहा जा रहा है कि किस अधिनियम के तहत जो कंपनी के कर्मचारी थे मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के जो इम्प्लॉय थे उनको किसी भी निजी व्यापार में शामिल होने या मूल निवासियों से उपहार या रिश्वत स्वीकार करने पर रोक लगा दी गई थी। ये भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के उद्देश्य से किया गया था ताकि करप्शन जो बड़े पैमाने पर फैल गया था, मतलब बक्सर के युद्ध के बाद फिर इलाहाबाद की संधि होती है और एक बड़ा हिस्सा अंग्रेजों के हाथ में आ जाता है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की अब शासन करने की महत्वाकांक्षा बहुत प्रबल हो जाती है लेकिन भ्रष्टाचार भी खूब जम कर रहता है, तो उस सब चीजों को सुधारने के लिए, क्योंकि भ्रष्टाचार जो है वो किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को खा जाता है, नष्ट कर देता है, अंग्रेज इस चीज को जानते थे, तो इस चीज को रेगुलेट करने के उद्देश्य से क्या आता है बताइए। मतलब जो निजी व्यापार है उसमें वो शामिल नहीं हो सकते, किसी से कोई रिश्वत उपहार इत्यादि नहीं ले सकते। और 7th क्वेश्चन जो है इसका राइट आंसर इसमें ए हो जाएगा, ये रेगुलेटिंग एक्ट था जिसके माध्यम से पहली बार कंपनी के कार्यों को लगाम कसने का मतलब उसके कार्यों पर लगाम कसने का प्रयास किया गया, उसे रेगुलेट करने की कोशिश की गई, तो इसे आप देख रहे हैं। इसके बाद 8वें प्रश्न में आप देखें पिट्स इंडिया एक्ट जो 1784 का था, 1784 का था, उसके बारे में यहां पर 3 स्टेटमेंट दिए हैं, आपको जो सही विकल्प है उसकी तलाश करनी है। तो स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, दिस एक्ट हैज सेपरेटेड द कॉमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शंस ऑफ द कंपनी, ठीक है, कंपनी के जो पॉलिटिकल और कॉमर्शियल फंक्शन थे दोनों को इसने क्या किया, अलग अलग कर दिया ताकि काम अच्छे से हो। दिस एक्ट हैड अलाउड द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स टू मैनेज द पॉलिटिकल अफेयर्स, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या करेगा, वो जितने भी राजनीतिक मामले हैं उन्हें मैनेज करेगा, और ये जो एक्ट था इसकी एस्टैब्लिशमेंट मतलब इसके माध्यम से एस्टैब्लिशमेंट होती है डबल गवर्नमेंट की, मतलब जो दोहरी सरकार है उसकी व्यवस्था ये करता है, तो ये सारी व्यवस्थाएं दी हुई हैं, लेकिन अब इसमें आपको ये देखना होगा कि सही कौन सा है। प्रश्न को देखिए, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, इसमें पहला तीसरा सही है, ठीक है, पहला और तीसरा सही है, लेकिन ये जो दूसरा वाला है ये गड़बड़ है। असल बात ये है कि ये जो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट था इसके माध्यम से कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो मैनेज करते थे कॉमर्शियल अफेयर्स को, और जो एक नई बॉडी यहां पर बनाई गई थी वो पॉलिटिकल अफेयर को देखती थी और उसका नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, तो पॉलिटिकल मामलों को कौन देखता था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखता था, यहां थोड़ा सा गलत दिया है, इसलिए सी वाले विकल्प को हम चुनते हैं। 9वें प्रश्न को देखिए, यहां कहा जा रहा है कि 1853 का जो चार्टर एक्ट था उसके बारे में कुछ गलत जानकारियों का यहां से चयन करिएगा, दो ही स्टेटमेंट है, गलती ढूंढनी है आपको। तो ये जो एक्ट था इसमें पहली बार गवर्नर जनरल की जो परिषद थी, गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी, उसके विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया, मतलब उसके जो एडमिनिस्ट्रेटिव और लेजिस्लेटिव फंक्शन थे वो सेपरेट कर दिए गए, और ये किसके माध्यम से किए जाते हैं, 1853 के एक्ट के द्वारा।
और ये जो एक्ट है इसके माध्यम से काउंसिल में विधान पार्षद कहे जाने वाले जो लोग थे, मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिलर कहे जाने वाले जो लोग थे, ऐसे 9 सदस्यों को जोड़ने का प्रोविजन किया गया। अब आप ये बताइए कि इसमें गलती कहां पर है? ये दो स्टेटमेंट आप देख रहे हैं, करेक्ट आंसर बी होना चाहिए, केवल दूसरा वाला इसमें गलत है। यहां जो संख्या दे रखी है ना, ये दूसरा वाला स्टेटमेंट इसमें कायदे से गलत दिखाई देता है। 6 नए सदस्यों को जोड़ने का प्रावधान किया गया, यहां जो संख्या है ना वो 9 की जगह पे 6 होनी चाहिए, बाकी जानकारियां ठीक। 10वें प्रश्न को देखते हैं, गलत विकल्प का आपको चयन करना है। 1861 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट था उसके बारे में आपको बताना है। तो 1862 में बंगाल के लिए नई विधान परिषद की स्थापना का प्रावधान किया गया, बंगाल के लिए नई जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो एस्टैब्लिश की जाएगी। ये प्रोविजन कब होता है? 1862 में होता है। और साथ में 1886 में उत्तर पश्चिमी प्रांतों के लिए नई विधान परिषद की स्थापना का प्रावधान हुआ, मतलब जो नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस थे उनके लिए नई लेजिस्लेटिव काउंसिल बनेगी, उसका समय आप देख रहे हैं। साथ में 1897 का जो समय था पंजाब के लिए एक नई लेजिस्लेटिव काउंसिल का प्रोविजन किया गया। तो ये सारी बातें यहां पर लिखी हैं। अब आप ये बताइए कि गलती कहां पर है? तो गलती अगर देखी जाए तो इसमें जो डी वाला स्टेटमेंट है उसको चुन लीजिए, कोई भी जो कथन दिया है ना वो गलत नहीं है, यहां गलत चुनने के लिए कहा जा रहा था, तो इसीलिए हम डी का चयन करते हैं। नॉन ऑफ दीज, इसमें से कोई भी जानकारी जो है वो गलत नहीं। तो ये सभी सूचनाएं हैं, आपको मालूम होनी चाहिए। 11वां प्रश्न देखते हैं, 1946 का समय है, इंतरिम गवर्नमेंट गठित होती है और उसमें जो रेलवे और परिवहन विभाग है यानी डिपार्टमेंट ऑफ रेलवेज एंड ट्रांसपोर्ट, वो किसके जिम्मे सौंपा जाता है? कौन से व्यक्ति थे बताइए? यहां नाम दिए हैं आप देख रहे हैं, करेक्ट आंसर सी होना चाहिए, आसफ अली। इस तरह के फैक्चुअल क्वेश्चन में कोई ज्यादा डिस्कशन है नहीं, चीजें आपको मालूम होनी चाहिए, मतलब याद होनी चाहिए। इसके बाद 12वां प्रश्न देखते हैं, यहां कहा गया कि 1947 में जो गठित होने वाला स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल था उसमें जवाहरलाल नेहरू को कौन कौन से विभाग सौंपे गए थे, इसके जिम्मे कौन सा डिपार्टमेंट था, ये पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। तो इसमें आप बताएं कि ये जो कैबिनेट पहली फ्री इंडिया की कॉन्स्टिट्यूट होती है इसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट पंडित जी के पास थे? तो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है, कॉमनवेल्थ रिलेशन है, डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, बताइए। एक से ज्यादा आप चुन सकते हैं और राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, पहला तीसरा चौथा चुन लीजिए। देखिए पहला वाला, तीसरा वाला और चौथा वाला, ये कॉमनवेल्थ रिलेशन को जो आप देख रहे हैं, और यहां थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन में गड़बड़ हुई है। देखिए जो सी वाला है उसको हमने चुना, तो पहला दूसरा और चौथा, यानी यहां आप देख रहे हैं पहला दूसरा और चौथा, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सटर्नल अफेयर पंडित जी के पास था, कॉमनवेल्थ रिलेशन था और डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च था, लेकिन ये जो आप देख रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन यानी संचार विभाग, ये रफी अहमद किदवई के पास था। ठीक है, इसके जो अध्यक्ष थे, इसके जो नियंत्रण करता थे वो रफी अहमद किदवई थे। तो आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 13 आपका इंतजार कर रहा है। कहा गया कि सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। संविधान सभा के बहुत सारे सत्र आयोजित किए जाते हैं, तो उन्हीं के संबंध में ये दिया हुआ है। पहला सेशन इसका ऑर्गेनाइज किया जाता है 1947 में, चौथा वाला भी, पांचवा वाला भी और छठवां वाला भी, ये सभी 1947 में आयोजित होते हैं। सही कौन सा है आप बताइए? प्रश्न आप पूरा देख रहे हैं, राइट आंसर इसका बी हो जाना चाहिए, इसमें से दूसरा और तीसरा तो सही है। ठीक, दूसरा और तीसरा जो है ना वो एकदम सही है, लेकिन पहला और चौथे में दिक्कत है। पहला वाला जो सत्र है वो 9 से लेकर 23 दिसंबर के बीच में 1946 में ही ऑर्गेनाइज होता है। ठीक, और जो चौथा वाला है वो 1947 का है, इसमें 14 से लेकर 31 जुलाई। पांचवा वाला जो आप देख रहे हैं, यहाँ छठवें का दिया है ना, ये पांचवें को भी जान लीजिए। तो पांचवा वाला जो है वो 14 से लेकर 30 अगस्त 1947 तक आयोजित किया जाता है। अच्छा, जो छठवां वाला दिया है वो 27 जनवरी को आयोजित होता है। ठीक है, ये छठवां जो अधिवेशन या सत्र होता है ये 27 जनवरी को आयोजित किया जाता है 1948 में, ये 1947 का नहीं है। तो 1947 में तीन सत्र आयोजित होते हैं, मतलब दूसरा, तीसरा और चौथा, साथ में पांचवां भी, तो चार आप जोड़ लीजिए। ठीक, तो इसमें से हमने कुल मिलाकर बी वाले ऑप्शन को चुन लिया। इसके बाद 14वें प्रश्न को देखते हैं, यहां कहा गया कि अरेंज द फॉलोइंग कंट्रीज इन असेंडिंग ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ देयर टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल। अब ये देखना पड़ता है ना कि बाहरी जो देश है, मतलब दूसरे देश है, उनके संविधान की क्या हालचाल है, तो इनके संविधान में कितने अनुच्छेद हैं ये इसमें दिया हुआ है। अब इसमें देखें कि आरोही क्रम क्या होना चाहिए, सबसे कम अनुच्छेद वाला देश जो है उसको पहले रखेंगे। तो संयुक्त राज्य अमेरिका है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है और साउथ अफ्रीका है, विकल्प नीचे दिए हैं, अरेंजमेंट आपको करना है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बी वाला, मतलब बी वाले के हिसाब से इसको व्यवस्थित कर लेंगे, थोड़ा सा आगे पीछे करना पड़ेगा। जो संयुक्त राज्य अमेरिका है उसके पूरे संविधान में कुल मिलाकर आर्टिकल्स जो है वो कितने हैं? 7 हैं। कनाडा में 147 हैं, ऑस्ट्रेलिया में 128 हैं और साउथ अफ्रीका में है 153। सबसे बड़ा संविधान हम ही लोगों का है। इसके बाद 15वें प्रश्न को देखते हैं, यहां देखें गलत विकल्प का आपको चयन करना है। जो संविधान सभा है यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपना लिया था, यानी जो नेशनल फ्लैग है उसको अडॉप्ट किया था, और हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसने 24 जनवरी 1949 को, यहाँ तारीखों पर ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रगान को अडॉप्ट किया था, जबकि जो संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसने 24 जनवरी 1950 को, तारीखों को ध्यान से देखिएगा, राष्ट्रीय गीत यानी वंदे मातरम को स्वीकार किया था, अपनाया था। अब आप ये बताइए कि गलती कहां पर है? तो 15वां प्रश्न जो देख रहे हैं आप, करेक्ट आंसर इसका भी होगा, दूसरा वाला स्टेटमेंट इसमें गलत है। ठीक, यही एकमात्र गलत है। संविधान सभा हमारी जो है उसने 24 जनवरी 1950, न कि 1949, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया था। जो हमारी नेशनल एंथम है उसको एडॉप्ट किया गया था, वो समय क्या था? 24 जनवरी 1950 का था। तो हमने बी को चुन लिया। इसके बाद 16वें प्रश्न को देखते हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि समितियां यानी कमेटी और चेयरमैन का नाम दिया है, बताइए कि गलती कहां पर है?
तो संघ शक्ति समिति यानी यूनियन पावर कमेटी के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जो है यानी प्रांतीय संविधान समिति उसके अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल, प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के थे डॉक्टर अंबेडकर, और प्रक्रिया नियम समिति यानी रूल ऑफ प्रोसीडर कमेटी जो थी उसके थे जीवी मावलंगर। गलती कहां पर है, मतलब कोई एक इसमें से जो विकल्प है वो गलत कौन सा है बताइए। और इसका जो सही जवाब है वो इसमें डी हो जाएगा, प्रक्रिया नियम समिति का जो चेयरमैन का नाम दिया है ना ये वाला गलत है। इसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद 17वें प्रश्न को देखते हैं, यहां कहा जा रहा है कि इसमें से सही विकल्प का चयन करिए। तो पार्ट फर्स्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन का है उसमें यूनियन और उसकी टेरिटरी के बारे में पूरा ब्यौरा है। सेकंड पार्ट में हम सिटीजनशिप के बारे में देखते हैं यानी नागरिकता के बारे में, और फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो पार्ट थर्ड में है कॉन्स्टिट्यूशन के यानी तीसरे भाग में, जबकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है ये चौथे भाग यानी पार्ट फोर्थ में है कॉन्स्टिट्यूशन के, ऐसे दिया हुआ है। सही की तलाश आपको करनी है, देखिए और बताइए। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। यहां आप देख रहे हैं पहला दूसरा और चौथा तो सही है, लेकिन ये देखकर भी मालूम हो रहा है फंडामेंटल ड्यूटी जो कि बाद में जोड़ी गई है ये भाग तीन में कहां से आ जाएगा। भाग तीन में हमारे क्या है, मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। फंडामेंटल ड्यूटी कहां पे है, ये 4A में है, तो इसमें 4A दिया नहीं है, तो इसमें से हम सी वाले ऑप्शन को चुन लेते हैं जो कि सही दिखाई देता है। इसके बाद 18वें प्रश्न को देखते हैं, यहां सही विकल्प का आपको चयन करना है। तीन स्टेटमेंट दिए हैं तो आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। यहां कहा गया कि आर्टिकल 132 है जो है, मतलब 132 इसमें संवैधानिक मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार का प्रावधान है, जो ज्यूरिडिक्शन है अपीलेट ज्यूरिडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का, उसका प्रोविजन हम यहां पर देखते हैं। और जो आर्टिकल नंबर 133 है उसमें आपराधिक मामलों में सर्वोच्च न्यायालय का जो अपीलीय क्षेत्राधिकार है उसका प्रावधान हम देखते हैं, मतलब जो क्रिमिनल केसेस होते हैं उसके मामले में जो अपीलेट ज्यूरिडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का उसको हम इसमें देखते हैं। और जो 134 है उसमें दीवानी मामलों में यही चीज हम देखते हैं, है ना। तो अब यहां पर आप बताइए कि सही कौन सा है, सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार की बात हो रही है। और 18वां प्रश्न जो आप देख रहे हैं करेक्ट आंसर इसका ए होगा, इसमें सही एकमात्र पहला वाला है। एकमात्र देखकर इसमें लग रहा है कि सभी सही हो सकते हैं लेकिन केवल पहला वाला स्टेटमेंट सही है। देखिए 132 जो है 132 उसमें ये प्रोविजन दिखाई देता है कि जो अपीलेट ज्यूरिडिक्शन है उसका विस्तार कहां तक है, सर्वोच्च न्यायालय के, मतलब ये पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस होते हैं मतलब संवैधानिक अधिकार होते हैं उनसे जुड़े हुए संवैधानिक मामले होते हैं उनसे जुड़ा हुआ जो सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार है वो 132 में दिखाई देता है, और 133 जो है 133 उसमें सिविल केसेस के बारे में हम देखते हैं। तो ये दोनों ही गलत दिया है, सिर्फ पहला वाला सही। इसके बाद 19वें प्रश्न में आप देख रहे हैं पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रावधानों को संसद के विशेष बहुमत और राज्यों की सहमति से संशोधित किया जा सकता है, मतलब उसके लिए स्पेशल मेजोरिटी की आवश्यकता होती है और साथ में राज्यों की भी परमिशन लेनी जरूरी होती है। तो ये क्या चीज है, मतलब कौन सी चीज का अगर हमें संशोधन करना है तो ये प्रक्रिया करनी पड़ेगी। तो राष्ट्रपति का हमें इलेक्शन लड़ना है, मतलब इलेक्शन लड़वाना है, और उससे जुड़े हुए जो कायदे कानून है उन्हें बदलना है, तो उसके लिए ये आवश्यक होता है। या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट इस मामले के लिए, या गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल के लिए जीएसटी काउंसिल के लिए, और रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन पार्लियामेंट, कौन से मामले में अगर आप संशोधन करना चाहते हैं तो आपको विशेष बहुमत की आवश्यकता होगी बताइए। तो 19वां प्रश्न जो आप देख रहे हैं करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। ये चारों ही मामले ऐसे हैं ना जिसमें कि आपको राज्यों की सहमति भी लेनी पड़ेगी और साथ में स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होगी, अदरवाइज आप इन्हें बदल नहीं सकते, तो डी वाले विकल्प को हम चुन सकते हैं। इसके बाद 20वां प्रश्न आपसे पूछ रहा था कि शंकरी प्रसाद मामला जो था, शंकरी प्रसाद जो केस था, इसमें संपत्ति के अधिकार को कम करने वाले कौन से अमेंडमेंट एक्ट को संवैधानिक, मतलब उसकी जो संवैधानिक वैधता थी उसको चैलेंज किया गया। अब यहां पर आप बताइए, राइट टू प्रॉपर्टी वाला जो पूरा मामला था उसको हम क्या कर रहे थे, कम कर रहे थे, उसमें जो अधिकार दिए हुए थे उसे समेट रहे थे, तो ऐसा जो एक संशोधन अधिनियम आता है उसकी संवैधानिक वैधता को यहां पे चैलेंज किया जाता है। तो बताइए कि ये कौन सा संशोधन था, यहां नीचे विकल्प दिया हुआ है। और प्रश्न संख्या 20 में अगर आप ध्यान से देखें तो ऊपर वाला ही जो ऑप्शन है वो सही है, ठीक। इसमें फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट को आप देख रहे हैं, शंकरी प्रसाद मामला जो है ना वो 1951 का है, 1951 का। संपत्ति के अधिकार को क्या किया जा रहा था, रिड्यूस किया जा रहा था, और इस मामले में पहला संशोधन अधिनियम आता है 1951 में, और उसी की संवैधानिक वैधता को इस मामले में, शंकरी प्रसाद मामले में, चुनौती दी जाती। तो ये हमने देखा। अब इसके बाद 21वें प्रश्न में पूछ लिया गया कि संसद ने 24वां संशोधन अधिनियम बनाकर गोलकनाथ मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया जाहिर की थी, और इस अधिनियम ने कौन से अनुच्छेदों में संशोधन उत्पन्न किया। बहुत सारे ऐतिहासिक वाद होते हैं, ऐतिहासिक केसेस होते हैं, तो वो आपको मालूम होने चाहिए। तो इस तरह के जो हिस्टोरिकल केसेस हैं उसमें गोलकनाथ भी आता है। अब बताइए इसमें कौन सा आर्टिकल जो है उसमें संशोधन होता है, विकल्प आप देख रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 21 इसका जो राइट आंसर है इसमें देख लीजिए अच्छे से, पहले सी वाला हो जाएगा, मतलब पहला और तीसरा जो यहाँ पहले तो ऊपर वाले ऑप्शन देख लीजिए, अनुच्छेद 13 है, अनुच्छेद 14 है, 368 है, मतलब आर्टिकल 13, 14 और 368। अब इसमें हम चुनेंगे किसको, तो करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा, पहला और तीसरा। ये आर्टिकल 13 में और आर्टिकल 368 में संशोधन होता है, और 24वां संशोधन अधिनियम जो होता है ना उसमें संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने के संसद के अधिकार की पुष्टि की जाती है, संसद ये राइट अपने पास रखती है। तो ये हमने देखा। अब इसके बाद आगे चलते हैं, सी वाले विकल्प को हमने चुन लिया। 22वें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि इंदिरा नेहरू गांधी मामले में ये जो केस था इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने 39वां संशोधन अधिनियम किया, और उसके एक प्रावधान को, मतलब ये संशोधन पहले ही हो चुका था, तो इसके एक प्रावधान को एक अमान्य घोषित कर देते हैं।
जब ये केस उभरता है इंदिरा नेहरू गांधी केस, तो उसके बाद जो सर्वोच्च न्यायालय है यानी सुप्रीम कोर्ट है वो 39वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से जो प्रावधान थे उसमें से एक प्रोविजन को अमान्य घोषित कर देता है। अब इसमें से निम्नलिखित में से किससे जुड़े हुए चुनावी विवादों को सभी अदालतों के अधिकार क्षेत्र से बाहर रख दिया गया, मतलब कौन सा ऐसा इलेक्शन का प्रोसेस है जिसमें कि अगर कोई विवाद होता है तो अदालतों के अधिकार क्षेत्र में नहीं आएगा। अब बताइए कि ये राष्ट्रपति का चुनाव है, प्रधानमंत्री का चुनाव है या लोकसभा के स्पीकर का चुनाव है, इसमें आप देखें और बताएं। तो करेक्ट आंसर ये 22वां आप देख लीजिए, बी वाले ऑप्शन को चुनिएगा, दूसरा और तीसरा। ठीक, मतलब एक प्रोविजन को इसमें इनवैलिड घोषित कर दिया जाता है और प्रधानमंत्री और जो लोकसभा का स्पीकर होता है उससे जुड़ा हुआ अगर चुनावी विवाद खड़ा होता है तो वो सभी अदालतों के जितने भी कोर्ट हैं उनके क्षेत्राधिकार से बाहर हो जाएगा, मतलब उनके अधिकार में नहीं आएगा। तो इसमें से हम बी वाले विकल्प को चुन लेते हैं। इसके बाद चलते हैं 23वें प्रश्न की ओर। अब यहां देखिए कि कौन सा मामला ऐसा है जिसमें कि सर्वोच्च न्यायालय ने मूल संरचना के सिद्धांत का पालन किया था और आगे स्पष्ट किया था कि यह 24 अप्रैल 1973 के बाद अधिनियमित जो संवैधानिक संशोधन है उन पर लागू होगा। अब आप ये बताइए, इसमें वामन राव केस दिया हुआ है 1981 का, केशवानंद भारती मामला है ये 1973 का है, मिनर्वा मिल वाला है ये 1980 का है, समय भी आपको मालूम होना चाहिए, सांब मूर्ति जो मामला था ये 1987 यानी 1987 का है। तो आप बताएं इसमें से कौन सा होगा। बेसिक स्ट्रक्चर की बात हो रही है और 23 को आप देख रहे हैं, करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा, ये वामन राव मामला था। ठीक है, वामन राव जो केस था इसमें सुप्रीम कोर्ट 1981 का ये केस है, ये भी ध्यान दीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट ये एदर करता है कि जो डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है एंड फर्दर क्लैरिफाइड, उसके बाद वो क्लैरिफिकेशन भी देता है कि ये पूरा जो मामला है ये अप्लाई होगा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे और जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 24 अप्रैल 1973 के बाद होते हैं, द डेट ऑफ जजमेंट इन केशवानंद भारती केस। यहाँ पे तारीख क्यों तय की गई थी कि ये जो तारीख है ना 24 अप्रैल 1973, ये केशवानंद भारती मामले की डेट ऑफ जजमेंट थी। तो कुल मिलाकर हम इसमें से ए वाले ऑप्शन को चुन लेते हैं। इसके बाद 24वें प्रश्न में देखें, इसमें कहा जा रहा है कि कौन से प्रावधानों को संसद के विशेष बहुमत के द्वारा अमेंड किया जा सकता है, उसमें अमेंडमेंट किया जा सकता है। तो हम फंडामेंटल राइट्स को डाल सकते हैं इस मामले में या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है या फंडामेंटल ड्यूटीज है, मतलब विशेष बहुमत की आवश्यकता किसमें होती है बताइए। तो करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा, केवल पहले और दूसरे में, फंडामेंटल ड्यूटीज के मामले में ऐसा कुछ नहीं है, उसमें ऐसा कोई विशेष बहुमत नहीं चाहिए होता है, तो इसमें से हम पहले दूसरे को चुन सकते हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या 25 पूछा जा रहा है कि इसमें से इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो दो ही स्टेटमेंट है, हाथी को संविधान सभा के प्रतीक के रूप में अपनाया गया था, ये क्या था, ये सिंबल था पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, और सर बी एन राव को संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के तौर पर नियुक्त किया गया था। अब ये दो जानकारियां दी हुई, गलती आपको खोजनी है बताइए, इसमें गलती कहां पर है। तो किसी में गलती नहीं है, गलत की तलाश हमें करनी है, गलत कुछ है ही नहीं, तो इसके लिए हमारे पास सुविधा है डी वाले विकल्प को चुनने की, ना तो पहला ना ही दूसरा। इसके बाद 26 को देखते हैं, यहां पूछा जा रहा है कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो एच वी आर अयंगर जो है ये संविधान सभा के सेक्रेटरी थे और एस एन मुखर्जी ये संविधान सभा में संविधान के मुख्य प्रारूपकार थे, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें ये चीफ ड्राफ्टमैन थे। अब आप ये बताइए कि इसमें सही कौन सा है, पूरा प्रश्न आप देख रहे हैं, विकल्प देख रहे हैं, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, 26 को आप देख रहे हैं ना, दोनों ही इसमें जो विकल्प दिए हुए हैं ना, मतलब स्टेटमेंट दिए हुए हैं सही है, ठीक है, दोनों सही हैं और इसको आप याद रखेंगे। इसके बाद 27 को देखते हैं भाई, यहाँ देखें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है इन्होंने 26 नवंबर 1949 को द कॉन्स्टिट्यूशनल एज, यहाँ आप देखें इसका जो अंग्रेजी वर्जन है वहाँ देखिएगा, द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल बाय द असेंबली बी पास्ट, ये जो पूरा मामला है इस प्रस्ताव को पेश किया था, ये एक तरह का प्रपोजल है जो कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा प्रस्तुत किया गया था और तारीख थी 26 नवंबर 1949 को, द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल बाय द असेंबली बी पास्ट। अब यहाँ पे आप देखें कि संविधान का ये जो प्रस्ताव था इस पर संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं, तो उन सदस्यों की संख्या कितनी थी, यहाँ बहुत सारी सूचनाएं तो आपको ऐसे ही दे दी है, उसके साथ आपको सदस्यों की संख्या बतानी है, बताइए कितने मेंबर इस पे हस्ताक्षर करते हैं। और करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, इसमें पहले तो 27 को ध्यान से देख लीजिएगा, इसका जो राइट आंसर है वो इसमें हो जाएगा बी वाला, बी वाले ऑप्शन को चुन लेते हैं, 284 सदस्य जो है वो इस पे हस्ताक्षर करते हैं। ठीक, मतलब 299 सदस्य थे उसमें से, वास्तविकता में अगर देखा जाए तो 284 ही जो है वो उस दिन अवेलेबल थे, उस दिन प्रेजेंट थे और वही लोग इस पे हस्ताक्षर करते। इसके बाद 28वें क्वेश्चन को देखें, इसमें पूछा जा रहा है कि इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो संविधान सभा ने मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता की पुष्टि की थी, कॉमनवेल्थ में भारत की जो मेंबरशिप है उसको ये रेटिफाइड करती, और उसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी संविधान सभा ये मई 1949 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले प्रेसिडेंट के तौर पर इलेक्ट करती है। तो आप ये बताइए कि गलती कहां पर है, गलती इसके बी वाले स्टेटमेंट मतलब दूसरे वाले कथन में है, असल में इसमें हम चुन लेते हैं इसे। देखिए दूसरा कथन क्यों गलत है, क्योंकि तारीख गलत दी है, यहाँ पे मई 1949 नहीं होना चाहिए, 24 जनवरी 1950 होना चाहिए, 24 जनवरी 1950 की तारीख थी जब इन्हें राष्ट्रपति के लिए चुना जाता है। प्रश्न संख्या 29, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। अब यहां देखें आप जो दो स्टेटमेंट दिए हैं, 1934 में भारत के लिए एक संविधान सभा पर विचार ये पहली बार एम एन रॉय के द्वारा सबके सामने रखा गया था, मतलब ये दिमाग में किसके आता है, एम एन रॉय के आता है, और समय था 1934 का, और 1935 का जो समय है 1935 का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार आधिकारिक तौर पर भारत के संविधान को बनाने के लिए एक संविधान सभा की मांग की थी, मतलब ऑफिशियली ये डिमांड आती है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो बननी चाहिए ताकि हम अपना संविधान खुद बना सके। तो ये समय वगैरह दिया है, अब इसमें गलती की तलाश आपको करनी है, देखें और बताएं
करेक्ट आंसर इसका डी होगा, कुछ भी गलती नहीं है इसमें, दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो एकदम परफेक्ट है और इसीलिए नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड, तो हम डी वाले ऑप्शन को चुन लेते हैं। तीसवें प्रश्न को देखते हैं, यहाँ आगे ही एक बड़ा सा खाली स्थान है और इसमें आपको भरनी है तारीख, डेट भरनी है। ये वो तारीख है जिसका उल्लेख प्रस्तावना में उस तारीख के रूप में किया गया जिस दिन भारत के लोगों ने संविधान सभा में इस संविधान को अपनाया, अधिनियमित किया और स्वयं को सौंपा, आत्मार्पित किया यानी आत्म को, खुद को अर्पित किया। तो आप ये बताएं कि इसमें तारीख कौन सी होनी चाहिए। अगर आप पूरे परमेबल को ध्यान से देखते हैं तो उसमें नीचे एक डेट दी हुई है, वही डेट आपको यहाँ पर भरनी है। और तीसवां प्रश्न जो आप देख रहे हैं इसका राइट आंसर होना चाहिए सी वाला, ये 26 दिसंबर 1949 की तारीख है। ये वही तारीख है जबकि संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया जाता है। यहाँ आप देख रहे हैं अडॉप्टेड, इनेक्टेड एंड गिवन टू देमसेल्फ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भारत के लोगों के द्वारा स्वीकार किया जाता है। ठीक, तो इसमें बी वाले ऑप्शन को चुन लिया। इसके बाद 31 को देखते हैं, यहाँ पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन संघ की कार्यपालिका के अंग है। संघ की कार्यपालिका जो है एग्जीक्यूटिव ऑफ यूनियन, उसके पार्ट कौन कौन से हैं? तो प्रेसिडेंट उसका पार्ट है, वाइस प्रेसिडेंट उसका पार्ट है, प्राइम मिनिस्टर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, अटॉर्नी जनरल है, इसमें से कौन कौन सा होगा? एक से ज्यादा आप चुन सकते हैं और इसमें चुनना भी पड़ेगा, तो देखिए और बताइए। देखिए डी वाले ऑप्शन को चुन लीजिए, ये सभी तो है, ये सब जो है ना ये एग्जीक्यूटिव ऑफ यूनियन में ही आते हैं और इसीलिए हम डी वाले ऑप्शन को चुन लेते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। इसके बाद चलते हैं आगे 32वें को देखते हैं, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ पर किससे रिलेटेड क्वेश्चन है, मतलब स्टेटमेंट है, तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में ये पूरा दिया हुआ है। पहले वाले में, मतलब पहले स्टेटमेंट में कहा गया कि ही इज द हेड ऑफ इंडियन स्टेट, ही इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया और ही एक्ट एज अ सिंबल ऑफ यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सॉलिडिटी ऑफ द नेशन, मतलब वो राष्ट्र की एकता, अखंडता और एकजुटता के प्रतीक के रूप में काम करता है। तो यहाँ बात हो रही है अटॉर्नी जनरल की, माफ कीजिएगा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की, यानी जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है। तो अब इसमें आप बताइए कि सही कौन सा है। प्रश्न संख्या 32 को आप देख रहे हैं, डी वाले ऑप्शन को चुन लीजिए, यहाँ पे नॉन ऑफ दीज को हमें चुनना पड़ रहा है क्योंकि कोई भी जानकारी सही नहीं है। ये सारी जो सूचनाएं दी हुई हैं ये राष्ट्रपति पर फिट बैठती हैं, वो पहला सिटीजन होता है, इसमें देखकर भी पकड़ में आ रहा है। ये सारी विशेषता महालेखा परीक्षक की थोड़ी ही है, ये तो प्रेसिडेंट की है। इसके बाद 33वें को देखते हैं, यहाँ कहा जा रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग डू नॉट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, कौन सा इसमें से जो अधिमान्य अर्हता दी हुई है कि वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते। तो संसद के दोनों सदनों के जो मनोनीत सदस्य हैं, नॉमिनेटेड मेंबर जो दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट के हैं वो, या फिर नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, या मेंबर बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल इन केस ऑफ बाइकैमरल लेजिस्लेचर। और जो चौथा वाला स्टेटमेंट है उसमें ये देख लीजिए कहा जा रहा है कि नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ दिल्ली एंड पांडिचेरी, मतलब पुडुचेरी। तो इसमें कुल मिलाकर चार स्टेटमेंट दिए हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो भाग नहीं लेता है उसका आपको बताना है। तो इसमें देखें और बताएं, तो 33 जो है ना इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए, डी वाला होना चाहिए, मतलब ये सभी, ये जितने भी दिए हुए हैं ये सभी, मतलब राज्य विधानसभा, राज्य विधान परिषदों के सदस्य जो निर्वाचित और मनोनीत दोनों हैं, द्विसदनीय विधायिका के मामले में वो भी इसमें हिस्सा नहीं लेते हैं, और बाकी जो आप देख रहे हैं वो सभी। इसके बाद 34 को देखते हैं, यहाँ पर कहा जा रहा है कि सही विकल्प का चयन करिएगा, उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल से जुड़ा हुआ यहाँ पर स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो इसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य शामिल होते हैं, मतलब इसमें नॉमिनेटेड और इलेक्टेड मेंबर दोनों शामिल होते हैं, और इसमें राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य दोनों शामिल होते हैं। ऐसे करके दो स्टेटमेंट दिया है, वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन की बात हो रही है, तो आपको तलाशना है कि सही कौन सा है। 34 का राइट आंसर इसमें से हो जाएगा ए वाला। देखिए पहला कथन तो सही है, पहला तो सही है और हमें सही की ही तलाश करनी है। दूसरे वाले में क्या समस्या है, जो राज्य विधानसभा है उनके सदस्य इसमें शामिल नहीं होते हैं और यहाँ क्या दिया है, ये शामिल होते हैं, तो यही चीज गलत है। इसके बाद 35 को देखें, 35 में पूछा गया कि गलत कौन सा है बताइए, तो सिंधी लैंग्वेज को ऐड किया गया था 8th शेड्यूल में और इसके लिए संविधान में 21वां संशोधन किया गया था और वो समय था 1967 का यानी 1967 का। ओडिया लैंग्वेज जो है इसको, इसका नाम पहले चेंज किया गया, पहले ये उड़िया थी और उसके बाद ओडिया कर दिया गया, और ये काम जो है ये होता है, मतलब उड़ीसा से हम लोग इसे ओडिशा के नाम से जानते हैं, वैसे ही ओडिया हो गई, मतलब भाषा का नाम भी बदल गया। तो ये वाला काम जो संशोधन का होता है, ये होता है 96th अमेंडमेंट एक्ट जो 2011 में होता है उसमें। तो ये दो भाषाओं के बारे में सूचना है, गलती की तलाश आपको करनी है, 35 आप देख रहे हैं, करेक्ट आंसर डी होगा, ना तो पहला गलत है ना दूसरा गलत है, तो गलती कुछ नहीं है, दोनों ही सही है। इसके बाद 36 में आपसे पूछ रहा है कि जो 6वीं अनुसूची है उसमें निम्नलिखित में से किस पूर्वोत्तर राज्य के आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान दिए हुए हैं। अब आप बताइए 6th शेड्यूल जो है उसमें नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट कौन सी है जिसके बारे में स्पेशल प्रोविजन दिए हुए हैं ट्राइबल एरियाज से रिलेटेड, तो इसमें देखें और राज्यों के नाम चुनना है आपको। तो 36 करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, देखें इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा, पहला दूसरा तीसरा चुन लीजिए राज्यों के नाम के तौर पे, असम, मेघालय और त्रिपुरा, तो इसीलिए हम ए वाले ऑप्शन को चुनते हैं। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, मिजोरम का नाम इसमें दिया नहीं है तो उसको हम नहीं चुन सकते। इन राज्यों में जो ट्राइबल एरियाज हैं उनके एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो प्रोविजन है वो 6th शेड्यूल में दिखाई देते, तो ए वाले ऑप्शन को चुन लिया। इसके बाद 37 को देखते हैं, यहाँ पूछा जा रहा है कि जो करेक्ट ऑप्शन है बताइए कौन सा है। आर्टिकल 352 जो है 352वां, उसमें नेशनल इमरजेंसी का पूरा जो जिक्र है वो दिखाई देता है, राष्ट्रीय आपातकाल। 356 जो है उसमें प्रेसिडेंट रूल के बारे में चर्चा है, और फाइनेंशियल इमरजेंसी की जो चर्चा है वो 360 में की गई, मतलब अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है, मतलब उसके माध्यम से। बताइए सही कौन सा है।
अनुच्छेद पता होना चाहिए कौन से किस अनुच्छेद में क्या प्रोविजन है, और करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। इसमें तीनों ही जानकारियां सही हैं, मतलब तीनों ही जो सूचनाएं हैं वो एकदम परफेक्ट हैं, इसे याद रखिएगा। इसके बाद 38 को देखते हैं, यहां कहा जा रहा है कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है बताइए। तो आर्टिकल 280 जो है इसमें फाइनेंस कमीशन की बात की गई है, उसका गठन कैसे होता है। फंडामेंटल ड्यूटीज का जो पूरा जिक्र है वो 51A में है, जबकि आर्टिकल 19 जो है उसमें इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात की गई, कानून के समान माफ कीजिएगा कानून के समक्ष समता। और साथ में राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन का जो प्रोविजन है वो आर्टिकल 24 में दिखाई देता है, ऐसा दिया हुआ है। सही कौन सा है वो आपको बताना है, नीचे विकल्प देख लीजिए। 38 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, केवल पहला दूसरा सही है, केवल पहला दूसरा सही है, बाकी दोनों गलत है, नीचे वाला जो तीसरा चौथा है। असल में आर्टिकल 14 जो है उसमें कानून के सामने सभी बराबर हैं, ऐसी बात की गई है, और आर्टिकल 21A जो है उसमें एलिमेंट्री एजुकेशन का प्रावधान किया गया है, तो इसमें 24 दे रखा है, इसलिए वो गलत हो गया। इसके बाद 39 में पूछा गया कि इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है बताइए। तो ये भाग 8 है जिसमें कि केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी का प्रोविजन दिखाई देता है, और पार्ट 9 यानी भाग 9 जो है इसमें पंचायतों की व्यवस्था है, जबकि भाग 10 में शेड्यूल और ट्राइबल एरियाज जो है उनकी चर्चा की गई। ये सारे जो पार्ट हैं वो दिए हुए हैं, अब आप ये बताइए कि गलती कहाँ पर है। तो करेक्ट आंसर इसका डी होगा, इसमें से कुछ भी गलत नहीं है, जितनी सूचनाएं हैं वो एकदम सही हैं, और इसलिए हम डी को चुन लेते हैं। प्रश्न संख्या 40, कहा गया कि द हेडक्वार्टर ऑफ द सेंट्रल जोन काउंसिल इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। इसमें से राज्य का नाम आपको बताना है, सेंट्रल जोन काउंसिल का, जोनल काउंसिल का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर स्थित है बताइए। तो मध्य क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय इसमें से अगर आप देखें तो जो ए वाला ऑप्शन है उसे चुन लीजिए, यूपी में है और इसीलिए पूछा भी गया है। मतलब मध्य क्षेत्रीय परिषद में जितने भी राज्य शामिल हैं उसमें उत्तर प्रदेश है हमारा, उसके अलावा उत्तराखंड है, पहले दोनों एक में जुड़े हुए थे, और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, पहले क्या था दो ही थे, एक तो यूपी था और दूसरा एमपी था, लेकिन अभी देखा जाए तो इसमें दो राज्य और बन गए हैं, तो कुल मिलाकर चार राज्य इसके अंतर्गत आते हैं, लेकिन इसका हेडक्वार्टर हमारा प्रयागराज में है। यूपी में कहाँ पे है, प्रयागराज में है, तो इसमें से हम उत्तर प्रदेश को चुनते हैं जो कि है ए वाला विकल्प। इसके बाद 41 को देखते हैं, यहाँ देखें कौन से राज्य कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण में आते हैं, शामिल होने वाले राज्यों का नाम बताना है। तो नदियां जो है वो एक से ज्यादा राज्यों से होकर गुजरती हैं, पानी के बंटवारे को लेकर महाभारत छिड़ती है, तो उस विवाद को सुलझाने के लिए ट्रिब्यूनल बनाए जाते हैं, क्योंकि कोर्ट के पास बहुत सारे काम होते हैं, तो फाइल कहीं रद्दी में न चली जाए इसलिए अलग से उनके लिए व्यवस्था कर दी जाती है कि झगड़ा उधर निपटा दिया जाए। तो आप बताइए कि इसमें कौन कौन से राज्य शामिल होते हैं, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी, नीचे विकल्प दिए हुए, और करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, इसमें देख लीजिए पहले डी वाला हो जाएगा, ये जितने भी राज्य हैं ये सभी तो आते हैं। वैसे भी आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कावेरी नदी जो है वो कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है। कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण यानी जो वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल है इसकी स्थापना होती है 1990 में, और इसमें जो शामिल होने वाले राज्य हैं कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी। तो हमने डी को चुन लिया। इसके बाद 42 को देखते हैं, यहाँ पूछ रहा है कि इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है बताइए। तो आर्टिकल 371B जो है उसमें स्पेशल प्रोविजन है विद रिस्पेक्ट टू स्टेट ऑफ असम, असम के बारे में, और 371C में स्पेशल प्रोविजन किसके बारे में है, तो सिक्किम के बारे में। स्पेशल प्रोविजन हमें 371F में जो दिखाई देता है वो असल में मणिपुर राज्य के बारे में, तो ये सारा दिया हुआ है। अब इसमें आपको बताना है कि गलती कहाँ पर है। 42 आप देख रहे हैं, राइट आंसर इसका सी होगा, दूसरा तीसरा जो है वो गलत है, देखकर अच्छा लग रहा है लेकिन इसमें गलती है। ठीक, ये दोनों गलत है, कैसे गलत है, तो 371C जो है उसमें स्पेशल प्रोविजन मणिपुर राज्य के लिए है, और 371F जो है उसमें स्पेशल प्रोविजन सिक्किम के लिए। ठीक, इसके बाद 43 को देखिए, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिकल है जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग जो है यानी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, उसके संबंधित प्रावधान दिए हुए हैं। मतलब ये जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन है, अपॉइंटमेंट्स कमीशन है असल में, तो इसके संबंध में जो प्रोविजन है वो कहाँ पर हमें दिखाई देता है, कौन सा अनुच्छेद हमें देखना चाहिए, नीचे विकल्प दिए हैं और बताइए। तो ए वाला चुन लेते हैं, ये 124 क्लॉज ए है, यहाँ आप देख रहे हैं। ठीक, 124 क में ये प्रावधान हमें दिखाई देता है, आगे चलते हैं। और अच्छा, इसमें बाकी जो है उन्हें भी देख लीजिए। तो जो 126वां अनुच्छेद है ना, उसमें कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान है, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का जो प्रावधान है, मतलब एडहॉक जजेस जो है उनकी नियुक्ति का जो प्रावधान है वो 127 में है, और उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होने का जो रिकॉर्ड हमें दिखाई देता है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के तौर पे हम इसे देख पाते हैं सुप्रीम कोर्ट को, उसका प्रावधान हमें 129 में दिखना चाहिए। तो कुल मिलाकर इसमें से पहले को चुना, और इसके बाद 44 को देख लेते हैं, इनकरेक्ट ऑप्शन इसमें पूछ रहा है। तो अनुच्छेद 52 जो है आर्टिकल 52, उसमें भारत के राष्ट्रपति का ब्यौरा दिया हुआ है। आर्टिकल 54 में इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट है, यानी चुना कैसे जाए राष्ट्रपति को, प्रोसीडर ऑफ इम्पैचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, ये वाला जो प्रावधान है ये किसमें है, तो ये इम्पीचमेंट का जो प्रावधान है प्रेसिडेंट का, ये 58 में है, आर्टिकल 58 में है, महाभियोग आप चला सकते हैं। आर्टिकल 60 जो है उसमें ओथ दी हुई है, ओथ और अफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट, मतलब शपथ कौन सी ली जाती है या प्रतिज्ञान राष्ट्रपति के द्वारा कौन सा दिया जाता है। तो राष्ट्रपति से जुड़े हुए यहाँ पर कुछ अनुच्छेद दिए हैं, कोई एक इसमें से गलत है, गलत कौन सा है बताइए। 44 को आप देख रहे हैं, सी वाले ऑप्शन को चुन लीजिए, ये महाभियोग वाली जो प्रक्रिया है ना, यही गलत दिया है इसमें। मतलब यह है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन का जो पूरा प्रोसेस है वो 55 में दिखाई देता है, चुनाव की प्रक्रिया जो है वो 54 में है, और अगर आप देखें तो महाभियोग की जो प्रक्रिया है ये अनुच्छेद 61 में यानी आर्टिकल 61 में हमें दिखाई देती है।
ठीक है, और 58 में क्या है, तो 58 में चुनाव के लिए क्या योग्यता राष्ट्रपति के पास होनी चाहिए, वो दी हुई। इसके बाद 45 को देखते हैं, यहाँ इनकरेक्ट ऑप्शन आपको चुनना है। आर्टिकल 79 में पार्लियामेंट का पूरा गठन दिया हुआ है, कैसे वो कॉन्स्टिट्यूट होगी, मतलब उसका गठन होगा। साथ में कंपोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट का जो पूरा प्रोविजन है वो आर्टिकल 80 में दिखाई देता है। कंपोजिशन ऑफ हाउस ऑफ पीपल ये हमें देखना चाहिए आर्टिकल 81 में, और 83 में क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट ये दिखाई देता है। इसमें से गलती कहां पर है बताइए। तो 45 आप देख रहे हैं, राइट आंसर इसका हो जाना चाहिए डी वाला। देखिए आर्टिकल 83 जो दिया हुआ है ना, इसी के बारे में यहां सूचना गलत है। मतलब संसद के सदनों की अवधि, जो संसद के सदन है वो कितने समय तक चलेंगे, उसकी ड्यूरेशन जो दे रखी है वो है आर्टिकल 83 में, और यहां पर उसके बारे में गलत जानकारी दी हुई। इसके बाद 46 में देखें, यहां अरेंज करना है आपको, और अरेंजमेंट किस आधार पर करना है, तो राज्यसभा में कौन से राज्य से कितनी सीटें मौजूद है उसी संख्या के आधार पर, और क्रम कैसा होना चाहिए, डिसेंडिंग ऑर्डर होना चाहिए, यानी ज्यादा सीटों वाला राज्य पहले रहेगा। तो आप देखें, आप बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और यूपी दिया हुआ है, इसमें से आप देखकर बताइए। तो डी वाला अरेंजमेंट इसमें सही रहेगा, और उसी हिसाब से कर लेते हैं चौथा, दूसरा, तीसरा, पहला। मतलब सबसे ज्यादा कहाँ पे है, यूपी में है, और संख्या भी आपको पता होनी चाहिए। 31 जो है वो उत्तर प्रदेश में है, और 18 जो है वो तमिलनाडु में है, महाराष्ट्र में है 19, बिहार में है 16, और वेस्ट बंगाल में कितनी है 16। तो उस आधार पर अगर देखा जाए तो डी वाला जो क्रम है वो सही रहेगा। इसके बाद 47 को देखते हैं, यहाँ कहा गया कि लेजिस्लेटिव असेंबली इज नॉट प्रेजेंट अंडर द लेजिस्लेचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी। कौन सी यूनियन टेरिटरी जो है उसमें विधानमंडल के अंतर्गत विधानसभा मौजूद नहीं, ये कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है बताइए, नीचे विकल्प दिया है। और करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा डी वाला। यहाँ आप देख रहे हैं जो जम्मू कश्मीर है, माफ कीजिएगा लद्दाख है, यहाँ नीचे दिया हुआ है जम्मू कश्मीर, तो सी वाले विकल्प में। लद्दाख जो यूनियन टेरिटरी है, पहले जम्मू कश्मीर एक पूरा राज्य था, विशेष राज्य का दर्जा उसे वापस लेके उसे दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया प्रशासन की सुविधा के लिहाज से, तो लद्दाख एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बन गया, और वहां पर विधानसभा मौजूद नहीं, बाकी जितने हैं उनके पास है। इसके बाद 48 को देखते हैं, यहाँ कहा गया कि इंडिपेंडेंट हाई कोर्ट्स हैड बीन एस्टैब्लिश्ड इन 3 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट इन द ईयर 2013। ये स्वतंत्र जो न्यायालय हैं, उच्च न्यायालय हैं, इनकी स्थापना 3 पूर्वोत्तर राज्य में होती है 2013 में। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉर्थ ईस्ट स्टेट इज नॉट अमंग दोज स्टेट्स, मतलब कौन सी इसमें से शामिल नहीं है, मतलब 3 जो राज्यों में स्थापना हुई थी उसमें से जो नहीं शामिल राज्य है उसको आपको चुनकर बाहर करना है। तो मणिपुर, सिक्किम, मेघालय और त्रिपुरा, बताइए कहाँ पर नहीं हुई थी, जहाँ नहीं हुई थी वो आपको चुनना है। और करेक्ट आंसर इसका हो जाना चाहिए, यहाँ पहले देख लीजिए अच्छे से, बी वाला ऑप्शन, सिक्किम में नहीं हुई थी, सिक्किम में 1975 में ही हो जाती है, ठीक है, यहाँ पहले ही हो गई थी, बाकी जो है वो 2013 में हाईकोर्ट प्राप्त करते हैं। एक हाईकोर्ट मतलब एक राज्य का हाईकोर्ट कई सारे क्षेत्रों पर नियंत्रण रख सकता है। इसके बाद 49 को देखते हैं, 49 में पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट जो है उसका इसमें से क्या गुण है बताइए। तो संघ सरकार के पास क्या क्वालिटी होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी होनी चाहिए, बाइकैमरल लेजिस्लेचर होना चाहिए, सुप्रीमेसी होनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन की, इसके अलावा ड्यूअल गवर्नमेंट भी होनी चाहिए, क्या क्या होना चाहिए। तो संविधान तो सर्वोच्च ही है, लेकिन इसमें कई सारे विकल्प दिए हुए हैं, तो 49 का जो राइट आंसर है वो इसमें डी वाला हो जाएगा, ये सभी होने चाहिए, संघ सरकार है तो उसके पास ये जितनी भी क्वालिटी है इनके बिना वो चली नहीं पाएगी, तो डी वाले विकल्प को हमने चुन लिया। इसके बाद 50वां प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित राज्यों को विधान परिषद में उनकी सीटों की संख्या के आधार पर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करिएगा। अब यहाँ पे विधान परिषद की जो सीटें हैं उनकी बात हो रही, तो आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है और उत्तर प्रदेश है। यहाँ देखिएगा कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में उनकी जो नंबर ऑफ सीट है वो कितनी, और क्रम कैसा होना चाहिए, घटता हुआ, यानी ज्यादा वाले को पहले रखेंगे। तो 50वां जो आप देख रहे हैं करेक्ट आंसर इसका होना चाहिए ए वाला, मतलब ए वाले क्रम के हिसाब से इसको अरेंज कर लेते हैं, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला, ये पहला देख रहे हैं आप। मतलब ये है कि आंध्र में 58 है टोटल संख्या, और कर्नाटक में है 75, बिहार में भी 75 है, महाराष्ट्र में 78 है, तेलंगाना में 40 है, और यूपी में कितनी है, पूरी 100। इसके बाद 51 को देखते हैं, यहाँ कहा गया कि इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है, दो ही स्टेटमेंट है पूछा जा रहा है। और देखें तो भारत शासन अधिनियम जो 1919 वाला था, माउंटेग्यू जेम्सफोर्ड रिफॉर्म, उसके अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन 1945 में आयोजित किया गया था, उसी के अंतर्गत। और दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 से राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति जो है वो ली गई, मतलब वहां से इसे प्रेरित किया गया। तो आप ये बताएं कि इसमें गलत कौन सा है। तो अब 51 जो आप देख रहे हैं इसका करेक्ट आंसर डी होना चाहिए, कुछ भी गलत नहीं है, ये दोनों ही सूचनाएं जो है ना ये एकदम सही है। मतलब भारत शासन अधिनियम जो 1935 वाला है उसके माध्यम से ये प्रेसिडेंट को अधिकार मिलता है कि वो ऑर्डिनेंस इश्यू कर सकता है, और ये पहली जानकारी भी ठीक। इसके बाद 52 को देखते हैं, यहाँ देखिए करेक्ट ऑप्शन आपको चुनना है। तो तीन स्टेटमेंट है, भारत सरकार अधिनियम 1935 वाला जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, उसके द्वारा संघ में अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को दी गई, ठीक, ये इसमें है। और उसके बाद भारत सरकार अधिनियम 1935 का जो है संघीय सरकार की व्यवस्था भी यही करता है, फेडरल गवर्नमेंट का प्रोविजन इसी के माध्यम से आता है। और 1935 का यही वाला जो अधिनियम है इसी में जो ऑल इंडिया फेडरेशन है उसकी स्थापना का भी प्रावधान दिखाई देता है। तो अब ये सारी सूचनाएं हैं तो सही, लेकिन सही कौन सी है वो आपको देखनी पड़ेगी। तो बताइए करेक्ट आंसर डी होना चाहिए, तीनों सही है, तीनों ही जानकारियां सही हैं और अलग अलग पूछी जा सकती हैं, और बिल्कुल पूछी जा सकती हैं, तो आप इन्हें जानते रहिए। इसके बाद 53 को देखें, यहां कहा गया कि इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है, दो ही स्टेटमेंट है इसमें। और भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की स्थापना की गई, जो बाइकैमरल लेजिस्लेचर है उसकी स्थापना की जाती है 1935 के अधिनियम के द्वारा। और डायआरकी सिस्टम जो है इसको एस्टैब्लिश किया जाता है सेंटर में, केंद्र में, और ये किस माध्यम से होता है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा होता है।
अब आप बताइए गलती कहां पर है। तो 53 को आप देख रहे हैं और करेक्ट आंसर इसका ए होना चाहिए। केवल पहला वाला इसमें जो स्टेटमेंट है वो गलत है, दूसरा वाला तो सही दिखाई देता है ना, दूसरा वाला सही है, उसमें गड़बड़ी नहीं है। ये जो बाइकैमरल लेजिस्लेचर का प्रावधान है ये 1935 के अधिनियम से नहीं बल्कि 1919 का जो माउंटेग्यू जेम्सफोर्ड रिफॉर्म यानी भारत सरकार अधिनियम आया था उसके माध्यम से किया गया था। तो ये वाला गलत है। 54 कहा गया कि इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है बताइए, दो ही स्टेटमेंट है। तो वर्ष 1942 में पहली बार क्रिप्स मिशन ने निर्वाचित संविधान सभा के द्वारा भारत के संविधान की स्थापना का प्रावधान किया था। प्रावधान क्या किया था मतलब प्रपोजल रखा था कि ऐसा होना चाहिए। और 1946 का जो समय था उस समय इंतरिम गवर्नमेंट गठित होती है और जवाहरलाल नेहरू को कार्यपालिका का मतलब पूरी कार्यपालिका परिषद का उपसभापति बनाया जाता है। जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसके ये वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं। तो ये 1946 की इंतरिम गवर्नमेंट की बात हो रही है। अब इसमें आप ये देखें कि सही कौन सा है, प्रश्न पूरा आप देख रहे हैं। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा, दोनों ही सही है, दोनों ही सूचनाएं एकदम से अच्छी वाली हैं और आपके काम की हैं, तो ये आपको रटी हुई होनी चाहिए। इसके बाद 55 को देखते हैं, यहां देखिए करेक्ट ऑप्शन चुनना है। तीन स्टेटमेंट मोटे मोटे हैं। पहला स्टेटमेंट आपको बताता है कि पहली जो मीटिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की होती है उसके प्रेसिडेंट होते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। दूसरा वाला स्टेटमेंट कह रहा है कि ऑन दिसंबर 11, 1946 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज परमानेंटली इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये परमानेंटली इलेक्टेड होते हैं, ये ध्यान दीजिएगा, इसमें दिया हुआ है। द मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दैट ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वर इलेक्टेड बाय लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द वेरियस प्रोविंसेस, मतलब अलग अलग प्रांतों से इनका चुनाव होता है विधानसभाओं के द्वारा। तो अब ये सारी व्यवस्थाएं दी है, सही कौन सा है देखना है आपको। करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए, तीनों ही सही है, तीनों सूचनाएं एकदम सही है, इसमें कोई भी कमी निकालने लायक नहीं है। इसके बाद चलते हैं 56वें की ओर और ये जो 56 वाला प्रश्न है ये सही में 56 है, इसमें सही विकल्प खोजना है आपको। तो देखिए दो ही तीन स्टेटमेंट दिए हुए हैं इसमें और तीन स्टेटमेंट में पहला वाला आपको बता रहा है कि भारत की जो संविधान सभा है इसमें कुल 15 महिला सदस्याएं थी, मतलब महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी, 15 थी। विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, यानी कांग्रेस ही सब कुछ है ऐसा कहने का मतलब था। और गांधी जी ने वयस्क मताधिकार को 15 वर्षों के लिए स्थगित करने की बात संविधान सभा में की थी, कारण इसके पीछे बहुत सारे थे। तो अब आप ये बताइए कि इसमें करेक्ट कौन सा है, पूरा प्रश्न आप देख रहे हैं। और 56 जो है इसका राइट आंसर इसमें ए हो जाएगा, मतलब सही खोजने के लिए कहा जा रहा है, तो पहला वाला सही है। ऑस्टिन ने कहा था कि माफ कीजिए इसमें पहले वाले को पहले निशान लगा लेते हैं तो वो गायब हो जाएगा, ए वाले विकल्प को चुना, ठीक पहला वाला सही। विंस्टन चर्चिल का ये स्टेटमेंट नहीं था, ये तो ऑस्टिन का स्टेटमेंट था जिसमें कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो कांग्रेस है और कांग्रेस ही इंडिया है, कांग्रेस ही नेशन है। तो उसके बाद जो तीसरा वाला स्टेटमेंट है उसमें आप देखें तो मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा ये मांग रखी गई थी कि जो वयस्क मताधिकार है उसको पोस्टपोन कर देना चाहिए अगले 15 सालों के लिए, ठीक है। तो इसे हमने देख लिया, इसमें से पहला वाला सही है। इसके बाद 56 के बाद 57, यहाँ इनकरेक्ट ऑप्शन आपको खोजना है, दो ही स्टेटमेंट है, पूछ रहा है कि बताइए कि गलत कौन सा है। तो भारत के संविधान की प्रस्तावना का विचार दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया, मतलब जो हमारी प्रस्तावना है संविधान की उसको हमने कहां से बोरो किया है, ये साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन है वहां से। और भारत के संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण की जो व्यवस्था है अवधारणा है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई। तो अब आप ये बताइए कि इसमें इनकरेक्ट कौन सा है, पहली बात परमेबल की हो रही है कहां से ली गई है और दूसरे में बात हो रही है जुडिशियल रिव्यू की। तो 57 को आप देख रहे हैं, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, केवल पहला वाला सही है। इसमें आप देखें कि और यहां पर ये इनकरेक्ट ऑप्शन आपको खोजना है, माफ कीजिएगा, तो करेक्ट नहीं खोजना है, गलत की तलाश करनी है, इनकरेक्ट। तो पहला वाला इसमें गलत है। देखिए परमेबल का जो पूरा कॉन्सेप्ट हमने लिया है ना वो साउथ अफ्रीका से नहीं लिया है बल्कि ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका से ही उठाया है। तो इसमें से पहला वाला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा वाला एकदम सही है। जुडिशियल रिव्यू का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने यूएसए से ही लिया है, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो दूसरा सही है, पहला गलत है। इसके बाद 58 को देख लेते हैं, 58 में कहा जा रहा है कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है बताइए। तो रूस का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो दुनिया का सबसे पहला लिखित संविधान है, पहला ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है पूरे वर्ल्ड में। और भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों की अवधारणा फ्रांस के संविधान से ली गई है, मतलब जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसे हमने फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है। अब आप ये बताइए सही कौन सा है। तो 58 करेक्ट आंसर इसका डी होगा, ना तो पहला सही है ना दूसरा, सभी गलत है। मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो दुनिया का पहला लिखित संविधान है, पहली बार लिखा गया था संविधान अमेरिका में। और भारत का जो संविधान है उसमें जो मौलिक अधिकार है यानी फंडामेंटल राइट्स हैं उसको हमने बोरो किया है अमेरिका से, अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से। तो दोनों जानकारियां यहां पर गलत है, डी को चुना। 59 को देखिए, पूछा गया कि कौन सा गलत है, कनाडाई कॉन्स्टिट्यूशन, माफ कीजिए कनाडाई रिपब्लिक जो है उससे प्रभावित होकर भारतीय संविधान निर्माताओं ने राज्यसभा के गठन में प्रतिमा, यहाँ पे प्रतिमा नहीं होना चाहिए बल्कि मूर्त स्वरूप होना चाहिए, खैर इसमें देखें आप, तो प्रतिमा अनुभव सेवा ये सभी को प्रतिनिधित्व देने का फैसला लिया गया। और ये कहां से हमने प्रभावित होकर किया है, तो कनाडा का जो रिपब्लिक है मतलब वहां के संविधान से। और इसके बाद भारत के संविधान में संवर्ती सूची की जो अवधारणा है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। तो आप ये बताइए कॉन्करेंट लिस्ट को हमने कहां से लिया है, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, इसमें से गलती कहां पर है। तो 59 जो आप देख रहे हैं इसका करेक्ट आंसर ए होगा, पहला वाला गलत है। ये जो इंस्पिरेशन है ना जिसमें कि राज्यसभा के गठन में अनुभव और सेवा को हम मेजॉरिटी देंगे, तो ये सारी जो प्रेरणा है ये हमने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से ली है। और यहां पर क्या दिया है, कनाडा दिया है, तो वो पहला वाला गलत है और हमें गलत खोजना था, तो इसीलिए हम ए का चयन करते हैं, दूसरा सही कथन है तो उसको ध्यान दीजिएगा। इसके बाद 60वें प्रश्न में आपसे पूछा गया कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है बताइए। तो संविधान सभा का भाग 15 जो है वो निर्वाचन से संबंधित है, उसमें इलेक्शन का जो प्रोविजन है वो दिखाई देता है।
भाग 18 जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें अमेंडमेंट की बात की गई है, जबकि भारतीय संविधान का जो पार्ट 20 यानी भाग 20 है उसमें इमरजेंसी के जितने भी प्रोविजन है उनका वर्णन किया गया है। ये सारी सूचनाएं हैं, इसमें खोजना क्या है, सही विकल्प आपको तलाशना है, बताइए। तो देखें 60वां प्रश्न जो है इसमें केवल पहला वाला सही है, भाग 15 का जो संबंध है ना वो निर्वाचन से है, यही एकमात्र सही है, बाकी दोनों गलत है। कैसे गलत है? तो आप देखें कि भारतीय संविधान का जो भाग 18 है उसमें इमरजेंसी प्रोविजन दिखाई देते हैं और भाग 20 जो है उसमें संविधान के संशोधन की बात की गई। अब आगे चलते हैं, उल्टा दे दिया था। प्रश्न संख्या 61 को देखते हैं, 1992 का 71वां संशोधन अधिनियम और उसके माध्यम से कौन सी भाषाओं को 8th शेड्यूल में हिस्सा दिया गया, स्थान दिया गया, बताइए। ये 71वां अमेंडमेंट होता है, 1992 में होता है, वो आपको बता दिया है तो ये भी पूछा जा सकता है, ध्यान दीजिएगा। अब आप ये बताएं कि 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषाएं जुड़ती हैं, भाषाओं के नाम नीचे दिए हुए हैं। विकल्प आप देख रहे हैं, पूरा ये प्रश्न आपके सामने है और करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ए वाला, केवल पहली दूसरी यानी कोंकणी और मणिपुरी। ये दो भाषाएं जो है इन्हें संविधान में शामिल किया गया, मतलब संविधान की 8वीं अनुसूची में, और वो समय था 1992 का, 71वां संशोधन किया जाता है। आगे चलते हैं, कोंकणी मणिपुरी और नेपाली भाषा असल में शामिल होती है, नेपाली इसमें दिया नहीं है तो उसको हम चुन नहीं सकते, तो इसमें से हम ए वाले ऑप्शन को चुन लेते हैं। 62वें को देखते हैं, यहाँ पूछा जा रहा है कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, मतलब मिलान करके दिया हुआ है। तो पहला जो शेड्यूल है, पहली जो अनुसूची है उसमें शपथ और प्रतिज्ञान का प्रारूप दिया हुआ है, ओथ और अफर्मेशन का जो पूरा ड्राफ्ट है, फॉर्म है, वो वहां पर दिखाई देता है। दूसरी वाली जो शेड्यूल है, दूसरी अनुसूची है, उसमें राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और उनके क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार के विस्तार का ब्यौरा हमें मिलता है, ठीक है। और उसके साथ साथ तीसरी वाली में हमें दिखाई देता है कि संवैधानिक प्राधिकारियों का वेतन क्या होना चाहिए, उसके बारे में जितना भी प्रोविजन है वो सब हम देखते हैं। चौथी वाली में हम राज्यसभा के लिए सीटों के आवंटन की प्रक्रिया को समझते हैं। तो बताइए सही कौन सा है, यानी इसका मतलब ये है कि तीन गलत हैं एक सही है कोई, तो करेक्ट आंसर इसका डी होगा, फोर्थ शेड्यूल वाला एकदम परफेक्ट दिया है जिसमें कहा गया है कि एलोकेशन ऑफ सीट इन राज्यसभा। बाकी जितनी सूचनाएं हैं वो सब उल्टी सीधी दी है। पहली वाली जो अनुसूची है, पहला जो शेड्यूल है, उसमें संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और उनके क्षेत्राधिकार इत्यादि का ब्यौरा है, मतलब नेम ऑफ स्टेट यूनियन टेरिटरी एंड डिटेल ऑफ देयर टेरिटोरियल जुरिडिक्शन या एक्सटेंट, ठीक। तो ये प्रोविजन हमें कहाँ दिखाई देता है, पहली अनुसूची में दिखाई देता है, और यहाँ पे क्या दे रखा है, शपथ और प्रतिज्ञान दिया हुआ है, तो ये गलत हो गया। दूसरी वाली में संवैधानिक प्राधिकारियों के जितनी भी सैलरी है उनका पूरा भत्ता वगैरह है उससे संबंधित प्रावधान हमें दिखता है, और ओथ और अफर्मेशन वाला जो संबंध है ना वो थर्ड शेड्यूल से है, तो बाकी जानकारियां गलत हैं। इसके बाद 63 को देखते हैं, यहाँ पूछा जा रहा है कि इनकरेक्ट कौन सा है, तो कोयलहो मामला जो है इसमें भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची का अपना रोल है, मतलब ये जो मामला है ये 8वीं अनुसूची से जुड़ा हुआ है। और आर्थिक नियोजन भारत के संविधान के तहत समवर्ती सूची का विषय है, जो इकोनॉमिक प्लानिंग है ये कौन से लिस्ट का सब्जेक्ट है, तो कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है, मतलब इसमें दोनों ही अपनी भागीदारी कर सकते हैं, यानी राज्य और केंद्र। तो आप बताएं गलती कहां पर है, क्वेश्चन नंबर 63 करेक्ट आंसर इसका ए होना चाहिए, पहला वाला कथन गलत है, ये जो कोयलहो केस यहां दिया हुआ है इसी के बारे में सूचना गलत है। ये जो मामला है ना ये 9th शेड्यूल से जुड़ा हुआ है, न कि 8th शेड्यूल से, ठीक है, और बाकी दूसरा वाला सही है तो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 64 में आपसे पूछा गया कि बताइए सही कौन सा है, तीन स्टेटमेंट है। तो जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में रखा गया है, और शिक्षा को भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में रखा गया है, जबकि आपराधिक मामलों को भी यहीं पर घुसाया गया है, तो कॉन्करेंट लिस्ट में ये तीनों ही चीजें आती हैं, मतलब जो जानवरों के प्रति हम क्रूरता दिखाते हैं तो उसकी रोकथाम के लिए राज्य और केंद्र दोनों कदम उठा सकते हैं, इसका मतलब ये है। साथ में शिक्षा वाला मामला है और क्रिमिनल केसेस जो है वो सब कॉन्करेंट लिस्ट में, लेकिन आपको ये बताना होगा कि सही कौन सा है, ये दे तो दिया है लेकिन सही जानकारी कौन सी है। तो करेक्ट आंसर इसका डी होगा, ये तीनों ही सूचनाएं एकदम परफेक्ट हैं, इसमें कहीं से भी कोई गड़बड़ी नहीं। प्रश्न संख्या 65, इनकरेक्ट ऑप्शन यहां भी खोजिए, और शिक्षा को 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा समवर्ती सूची में ट्रांसफर कर दिया गया, इसको कंकरेंट लिस्ट जो है उसमें शामिल कर लिया गया और ये ट्रांसफर कर दिया गया, मतलब ये पहले किसी और सूची का हिस्सा था लेकिन अभी समवर्ती में चला गया, और ये समय था 1976 का और उस समय होता है 42वां संशोधन। इसके बाद 42वें ही संशोधन के द्वारा जो कि 1976 में हुआ था, वनों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में ट्रांसफर कर दिया गया। पहले फॉरेस्ट जो थे वो स्टेट लिस्ट में शामिल थे, अभी उनको क्या किया गया, कॉन्करेंट लिस्ट में डाला गया। और दल बदल विरोधी कानून से 10वीं अनुसूची का यानी जो 10th शेड्यूल है उसका रिलेशन है, आप ये बताइए कि इसमें गलत कौन सा है। पूरे प्रश्न को आपने देखा और राइट आंसर इसका डी वाला हो जाएगा, कोई भी गलत नहीं, जितनी सूचनाएं हैं वो सभी परफेक्ट हैं और इसलिए हम इसमें से डी वाले विकल्प का चयन करते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 66 में पूछा जा रहा है कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, तो सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता यानी पब्लिक हेल्थ और सैनिटेशन ये यूनियन लिस्ट का विषय है। सेंसस जो है वो भी यूनियन लिस्ट में आता है, पर कैपिटा टैक्स यानी प्रति व्यक्ति कर जो है वो भी यूनियन लिस्ट में आता है, और एग्रीकल्चर भी केंद्र सूची जो है संघ सूची है उसी में आता है। आप ये बताएं सही कौन सा है, तीन गलत है कोई एक सही है, तो बी वाला सही है। ये जो जनगणना का मामला है ये संघ सूची का विषय है, ये केंद्र सरकार की मुसीबत है, ये राज्यों को इससे कोई मतलब नहीं, बाकी जितने हैं ना वो राज्य सूची में आते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 67 को देखते हैं, यहां कहा गया कि जो परमेबल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की उसमें भारत को किस रूप में डिक्लेयर किया गया है, तो सार्वभौम, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक यानी सॉवर्जिन, सोशलिस्ट, सेकुलर और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो हमारा देश किस रूप में संविधान की प्रस्तावना में दिखाई देता है वो आपको शब्दों का इसमें से चुनाव करना है, बताइए।
तो करेक्ट आंसर 67 का डी वाला हो जाएगा। ये सभी जो यहाँ रूप दिखाई दे रहे हैं सभी रूप तो उसमें वर्णित है, सब जितने भी शब्द हैं उनका जिक्र किया गया है, तो डी वाले विकल्प को चुनते हैं। देखिए जो परमेबल है ना उसके एक एक वर्ड को ध्यान से पढ़ना आवश्यक होता है, वहां से कहीं से भी प्रश्न बन सकता है। इसके बाद प्रश्न संख्या 68 को देखते हैं। यहाँ कहा गया कि इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है, तीन स्टेटमेंट दिए हुए हैं। तो सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस जो है इसका मेंशन किया गया है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, यानी सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय का उल्लेख किया गया है हमारी परमेबल में, और भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें विचार अभिव्यक्ति विश्वास और धर्म तथा उपासना की स्वतंत्रता का उल्लेख दिखाई देता है। साथ में कहा गया कि प्रस्तावना में प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का उल्लेख है। तो समानता स्वतंत्रता और न्याय की बात की गई है। अब ये कितने प्रकार का है और कौन कौन सा है वही दिया हुआ है। आप ये बताइए कि गलत कौन सा है, गलती कहाँ पर है इसमें देखना है आपको। और 68 जो है इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, इसमें गलती कहीं भी नहीं है, ये सारी सूचनाएं जो है ये सही है। मतलब हमारी जो परमेबल है उसमें सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस की बात की गई है, फ्रीडम ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ रिलीजन एंड वर्शिप ये सब जो उल्लेख है ये भी हमारी परमेबल में दिखाई देता है। साथ में इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी इसका जो ब्यौरा है वो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की परमेबल में यानी जो उसका प्रारूप है उसमें दिखता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या अगले यानी 69वें को देखते हैं। 69 को केशवानंद भारती केस जो है इसमें जब सुप्रीम कोर्ट का अपना जजमेंट आता है फैसला आता है उसमें पहली बार ये डिक्लेयर किया जाता है कि परमेबल ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, उससे अलग चीज है। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि संविधान एक पवित्र दस्तावेज है। अब आप ये बताएंगे इसमें गलती कहां पर है, कथन किसका है ये भी पूछा जा सकता है। तो इसमें पहला वाला ही स्टेटमेंट गलत है। केशवानंद भारती मामला नहीं बल्कि बेरुबारी संघ मामला जो था 1960 वाला उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार ये घोषणा की थी। इस बात में कई बार हेर फेर हुआ है लेकिन पहली बार डिक्लेरेशन जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाता है कि संविधान का हिस्सा प्रस्तावना नहीं है वो अलग चीज है। तो ये मामला था बेरुबारी, यहाँ पे केशवानंद भारती दिया है तो वो पहला वाला स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाता है, गलत खोजना था, दूसरा वाला सही है। इसके बाद 70वें प्रश्न को देखते हैं। पूछा गया कि कौन सा गलत है बताइए। तो द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नेंस हैज बीन प्रोवाइडेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो संविधान है उसमें पार्लियामेंट्री सिस्टम गवर्नमेंट का दिखाई देता है, गवर्नेंस का दिखाई देता है। और इन पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नेंस द एग्जीक्यूटिव इज कंट्रोल्ड बाय द लेजिस्लेचर, जो एग्जीक्यूटिव है उसे लेजिस्लेचर के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, यानी कार्यपालिका किसके नियंत्रण में होती है, विधायिका के। और जनसंख्या यानी सेंसस जो है ये राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। अब आप ये बताएं कि गलती कहां पर है, अच्छे अच्छे कथन है और काफी बारीकी से इन्हें देखने की आवश्यकता है। फिलहाल इसका जो सी वाला ऑप्शन है उसको चुन लीजिए क्योंकि तीसरा कथन गलत है। ये जो तीसरा का है ना पॉपुलेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ स्टेट, पॉपुलेशन किसके लिए इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, तो पॉपुलेशन कोई इंपॉर्टेंट एलिमेंट नहीं है, ये तो जानने की एक प्रक्रिया है कि हम कितने बढ़े, हमारी संख्या कितनी बढ़ी। असल में संप्रभुता राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। यहाँ राज्य का मतलब वो राज्य की जो लक्ष्मीकांत की बुक में परिभाषा दी है ना उससे आप अंदाजा लगाइएगा, ठीक। तो कुल मिलाकर संप्रभुता ये किसी भी राज्य का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण होता है, नहीं तो वो राज्य होने की हैसियत ही नहीं रखेगा, सीधी बात है। तो आगे चलते हैं, सॉवर्जिनिटी को हम इसमें चुनते हैं। तो हमने सी को चुना जो कि गलत है। उसके बाद देखें 71वें प्रश्न को, यहाँ पूछा जा रहा है कि इनकरेक्ट कौन सा है, दो ही स्टेटमेंट। तो पहले में कहा गया कि सबसे पहले संसदात्मक सरकार जो है वो ग्रेट ब्रिटेन यानी यूनाइटेड किंगडम में शुरू की गई थी, और दूसरा वाला कहता है कि जो संसदीय सरकार है ये स्वतंत्र न्यायपालिका के साथ मिलाकर अध्यक्षात्मक सरकार ये भारतीय संविधान की विशेषता में शामिल होती है। कहने का मतलब ये है कि द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इंडिपेंडेंट जुडिशियरी एंड प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट आर द फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये सभी विशेषताएं जो है ये भारतीय संविधान में दिखाई देती हैं। मतलब संसदीय सरकार भी है और अध्यक्षीय सरकार भी है, ये विरोधाभास तो वैसे भी आप देख रहे हैं। अब इसमें गलती तलाशनी है, तो बी वाला गलत है, वो देखकर साफ साफ मालूम हो रहा है कोई एक ही रहेगा ना, या तो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट रहेगी और नहीं तो फिर जो प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट है वो रहेगी। तो इसीलिए हम दूसरे स्टेटमेंट को इसमें से बाहर फेंक देते हैं, पहला वाला सही, ठीक। आगे चलते हैं, भारत के संविधान की विशेषता वैसे क्या है, संसदीय सरकार है, स्वतंत्र न्यायपालिका है और संघात्मक ढांचा है हमारा। इसके बाद चलते हैं 72वें प्रश्न की ओर, पूछा जा रहा है कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है बताइए। तो राष्ट्रपति की पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं, मतलब राष्ट्रपति के क्षेत्र में उसके क्षेत्राधिकार में आती हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के प्राधिकार का जो स्रोत है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यानी हमारा संविधान है। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना होता है, केवल स्वास्थ्य सुविधाएं, तो ऐसा कुछ दिया हुआ है। अब इसमें सही कौन सा है वो आपको बताना है, देखिए और बताइए। प्रेसिडेंशियल जो सिस्टम है उसमें एग्जीक्यूटिव पावर जो है ये पूरी तरह से प्रेसिडेंट पर निर्भर होती है, उसी में निहित होती है, ऐसा दिया था। तो ध्यान से देखिएगा और कुल मिलाकर इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा, सही इसमें पहला दूसरा दोनों है, लेकिन तीसरा वाला जो दिया है ना यहाँ देख रहे हैं आप, दूसरा और पहला दोनों सही है, तीसरा वाला गड़बड़ है। वेलफेयर स्टेट की जो अवधारणा है उसमें जितने भी कमजोर तबके हैं उनका टोटल वेलफेयर मतलब पूरा कल्याण, वो सिर्फ पेट भरने और स्वास्थ्य उपलब्ध कराने की बात नहीं है, पूरा जिस माध्यम से कल्याण हो सके वो सब इसमें शामिल होता है। इसके बाद प्रश्न संख्या 73 को देखते हैं। पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म हैज बीन मेंशन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो समाजवादी राज्य यानी सोशलिस्ट स्टेट की बात की गई है, पॉलिटिकल इक्वेलिटी की बात की गई है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक शब्द का उल्लेख किया गया है, हमारे संविधान में किन चीजों का मेंशन किया गया है बताएं। और 73 जो है इसका करेक्ट आंसर डी होगा, ये सारी ही चीजों का जो उल्लेख है वो हमें दिखाई देता है, ये सारे ही शब्द तो कमोबेश दिखाई देते हैं। और उसके बाद 74 को देखते हैं, करेक्ट ऑप्शन कौन सा है बताइए। अब यहाँ तीन स्टेटमेंट है, तो पहले वाले में कहा गया कि द मेन सोर्स ऑफ पॉलिटिकल पावर इन इंडिया इज प्रेसिडेंट,
और एकल कार्यपालिका यानी सिंगल एग्जीक्यूटिव जो है इज अ बेसिक एलिमेंट ऑफ प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट सिस्टम। ये जो है ना सिंगल एग्जीक्यूटिव, ये असल में बेसिक एलिमेंट होता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम का। और प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट जो होती है ये पहली बार इमर्ज करती है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। पहली बार हम इसे कहां पर देख पाते हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका में देख पाते हैं, बाद में कई सारे देशों में हम देखते हैं। तो इसमें से सही कौन सा है? सही इसका दूसरा तीसरा दोनों है, लेकिन पहला वाला गलत है और इसीलिए हम बी का चयन करते हैं। दूसरा तीसरा दोनों सही है, लेकिन आप देखें कि भारत में जो पूरा राज्य की व्यवस्था है, राजनैतिक सत्ता का जो मूल स्रोत है वो कौन है? जनता है, राष्ट्रपति नहीं है। राष्ट्रपति पहला नागरिक भले कहा जाता है, लेकिन जनता में ही सब कुछ निहित है। जनता का ही शासन है, जनता के लिए है और जनता के द्वारा है। तो पहला गलत है। इसके बाद 75 को देखते हैं। यहां देखें आपकी इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है बताइए, पूछ लिया गया। तो जी ऑस्टिन जो है इन्होंने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा है, मतलब कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का नाम दिया है हमारे इंडियन फेडरलिज्म को। ये कथन किसका है? ऑस्टिन का है। केसी, यहां आप देख रहे हैं दूसरे स्टेटमेंट को, कहा जा रहा है कि केसी व्हीलर जो है इन्होंने कहा कि भारत अर्ध संघात्मक राज्य है। ये कैसा है? क्वासी फेडरल स्टेट है। और तीसरा वाला स्टेटमेंट कहता है कि फ्रेड डब्ल्यू रिग्स नाम के एक राजनीतिज्ञ हैं, उन्होंने कहा कि प्रशासन की अवधारणा जो है वो विकास से जुड़ी हुई है, मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब एक साथ डील करेंगे तभी काम हो पाएगा, ऐसा कहा गया। तो गलती कहां पर है बताइए? 75 आपने पूरा देखा, करेक्ट आंसर इसका डी होना चाहिए। गलती कहीं भी नहीं है, ये सारे कथन सही है। ठीक, जितनी भी जानकारियां हैं वो सभी पक्की हैं, तो हम नॉन ऑफ दीज को चुनते हैं और 76 को देखते हैं। 76 में कहा जा रहा है कि सही विकल्प कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प जो है वो कमल है। नेशनल फ्लावर क्या है? लोटस है। नेशनल एनिमल जो है वो टाइगर है। और नेशनल फ्लैग जो है उसमें न्याय को चक्र का प्रतीक माना गया है, जो चक्र बीच में बना हुआ है ना अशोक की लाट से लिया गया है, तो वो असल में क्या है? न्याय का प्रतीक है, ऐसा इसमें कहा गया। और चौथा स्टेटमेंट बताता है कि राष्ट्रगान को गाने का टाइम जो है वो 52 सेकंड का है। तो अब आप ये बताइए कि सही कौन सा है? प्रश्न को पूरा आपने देखा, भारतवर्ष के बारे में बेसिक चीजें जाननी आवश्यक है, ये सभी सही है। ये जितनी सूचनाएं हैं वो सभी सही। न्याय का प्रतीक है राष्ट्रीय ध्वज में चक्र, ठीक। वो धर्म चक्र है, धर्म चक्र का प्रवर्तन हो रहा है, यानी न्याय सभी को मिलेगा और धर्म की स्थापना होगी, इसकी वो सूचना देता है। तो डी वाले ऑप्शन को हम चुन लेते हैं। इसके बाद 77 को देखते हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि किस पूर्वोत्तर राज्य का गठन 21 जनवरी 1972 में हुआ था। तो मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम, अब इसमें राज्यों के नाम दिए हैं। आपको बताना होगा कि 21 जनवरी 1972 को कौन गठित होता है, एक से ज्यादा इसमें चुनना ही पड़ेगा। तो करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। आप पहले दूसरे तीसरे को चुन लीजिए, सिक्किम को उसमें से बाहर कर दीजिए। सिक्किम पर बड़ी जोर आजमाइश थी, चीन इस पर पूरा कब्जा चाहता था, लेकिन उस समय की गवर्नमेंट ने बड़ी कुशलता दिखाई और तेजी के साथ इसे भारतीय गणतंत्र में विलय कर लिया। तो कुल मिलाकर सिक्किम को हमने निकाल दिया। तो अब बचता है इसमें से ए वाला ऑप्शन, जो कि हमारा सही है, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा। सिक्किम की स्थापना कब होती है, मतलब सिक्किम को एक राज्य का दर्जा या भारत संघ का हिस्सा माना जाता है, वो समय था 16 मई 1975 का। बाकी अगर देखें तो सबकी तारीखें वही है, 21 जनवरी 1972 की। इसके बाद 78 में पूछ लिया गया कि इनकरेक्ट कौन सा है बताइए। तो संविधान का जो पहला आर्टिकल है उसके हिसाब से भारत एक संघों का राज्य है, माफ कीजिए राज्यों का संघ है, ठीक है। भारत क्या है? एक राज्यों का संघ है, यानी यूनियन ऑफ स्टेट्स है। और दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि जो आर्टिकल 3 है यानी अनुच्छेद 3 है, उसके अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का पूरा पूरा अधिकार है। जो इंडियन पार्लियामेंट है वो क्या करेगी? नया स्टेट क्रिएट कर सकती है। और संसद को राज्यों की सीमाएं बदलने की भी शक्ति प्राप्त है। जो हमारी पार्लियामेंट है वो जो स्टेट्स हैं उनकी बाउंड्री को चेंज कर सकती है। अब आप बताएं इसमें गलत कौन सा है? ये संसद के बारे में कमोबेश पूछा गया है। और 78वें प्रश्न को आप ध्यान से अगर देखें तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा। इसमें से गलत कुछ भी नहीं है, सारी सूचनाएं जो है वो सही हैं और नॉन ऑफ दीज को हमने इसीलिए चुना है कि गलती कहीं भी नहीं है। 79 को देखते हैं, पूछा जा रहा है कि जो स्टेटमेंट दिए उसमें से गलती कहां है, इसमें ढूंढ कर बताइए। तो गलती हम ढूंढते हैं, पहले पढ़ लेते हैं इसे। तो स्वतंत्रता के बाद नए राज्यों के निर्माण के लिए 1956 में फजल अली की अध्यक्षता में एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया जाता है। अब ये जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन है इसको कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, इसके जो चेयरमैन है उनका नाम दे दिया है, समय दे दिया है। दूसरा स्टेटमेंट आप देख रहे हैं, इस स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र यानी केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किए जाते हैं। 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरी जो है ये एस्टैब्लिश की जाती है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के माध्यम से। और तीसरा वाला कहता है कि राजस्थान आजादी के बाद भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। सफेद झूठ। तो अब इसमें आप बताइए गलती कहां पर है? गलती ढूंढनी है और देखें इसे ध्यान से। तो अब इसमें चुनना आसान है, चुनकर बताइए। देखिए 79 जो है ना इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। तीसरा तो गलत ही है, उसके साथ साथ जो पहला वाला है उसको भी ये ले डूबा है, ठीक है। हम तो डूबेंगे ही, तुम्हें भी साथ में ले जाएंगे, तो ये पहला वाला भी गलत है। असल में आजादी के बाद राज्यों का, नए राज्यों का निर्माण करना और उसमें तमाम पेज थे, तो उसके लिए ये एक नया कमीशन गठित किया जाता है जिसके अध्यक्ष होते हैं फजल अली। और ये समय था 1956 नहीं बल्कि 1953 का समय था। यहां जो समय दिया है ना वही गलत दिया है। और आप जानते ही हैं कि भाषा के आधार पर पहली बार जो विभाजन और गठन होता है वो आंध्र का होता है। बड़ी जबरदस्त मांग थी कि आंध्र बनना चाहिए और बहुत सारे लोग भूख हड़ताल करके स्वर्गवासी भी हो जाते हैं, नाम आप जानते हैं। और बाद में भी आप देखते हैं कि भाषा के आधार पर इसके दो टुकड़े होते हैं, तेलंगाना और आंध्र। तो कुल मिलाकर हमने इसमें से जो सी वाला ऑप्शन है उसको चुन लिया, हमें गलत की तलाश करनी थी। हाँ, जो दूसरा वाला है वो एकदम सही। इसके बाद प्रश्न संख्या 80 को देखते हैं, पूछा जा रहा है कि करेक्ट कौन सा है। तो 35वां संशोधन अधिनियम 1974 के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा प्राप्त होता है। नेशनल कैपिटल टेरिटरी का जो दर्जा है वो 35th
अमेंडमेंट एक्ट जो 1974 का था उसके द्वारा दिल्ली को प्राप्त होता है, और सिक्किम वाज गिवन द स्टेटस ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया बाय 69th अमेंडमेंट एक्ट 1991। सिक्किम को जो दर्जा प्राप्त हुआ था स्टेटस ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया का, वो कब प्राप्त होता है? 69वें संशोधन के द्वारा प्राप्त होता है, जो कि 1991 में हुआ था। अब आप बताएं सही कौन सा है? तो सीमा प्रश्न आपने देखा, करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा, कोई सही नहीं है। दोनों के दोनों जो है वो झूठ बोल रहे हैं। और क्यों बोल रहे हैं? तो देखिए, 69वां संशोधन अधिनियम जो है ये 1991 में होता है और दिल्ली को इसके माध्यम से राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा प्राप्त होता है, और सिक्किम को 35वें संशोधन में ही घोषित कर दिया गया था कि भारत का वो एक राज्य है। ठीक है, तो उल्टा दे दिया है कुल मिलाकर। इसके बाद प्रश्न संख्या 81 में चलते हैं और इसमें पूछा गया कि इनकरेक्ट कौन सा है बताइए। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता के सिद्धांत को स्वीकार किया गया। यहाँ पे क्या है? ड्यूअल सिटीजनशिप का जो प्रिंसिपल है वो चलता है, अपने यहाँ एकल है। तो नागरिकता अधिनियम 1955, अब इसके अंतर्गत पंजीकरण के द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में 5 साल बिताने होंगे। वो भारतीय मूल का होना चाहिए और उसके बाद उसे 5 साल बिताना पड़ेगा, तब जाकर उसे यहाँ की सिटीजनशिप प्राप्त होगी, ऐसा दिया हुआ है। अब आप ये बताइए कि इसमें गलती कहाँ पर है? नागरिकता से जुड़े हुए दो स्टेटमेंट है और इसका जो राइट आंसर है, इसमें गलती खोजनी थी तो बी वाले को चुन लीजिए। दूसरा कथन यहाँ पर गलत है, ये जो यहाँ पर टर्म दिया हुआ है ना, मतलब इसमें मामला दिया है, ये गलत है, बी वाले को चुन लेते हैं, गलती इसमें ढूंढ ली। देखिए, नागरिकता अधिनियम 1955 जो है उसके अंतर्गत अगर आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, पंजीकरण कराना है, तो भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए आपको 7 साल भारत में बिताने होंगे और ये आवश्यक है कि आप भारतीय मूल के हों। उसके साथ साथ 7 साल से आप अपने देश में यानी भारत में रह रहे हो, तो यहाँ 5 नहीं बल्कि 7 होना चाहिए। इसके बाद 82 को देखते हैं, यहाँ कहा जा रहा है कि इनकरेक्ट कौन सा है बताइए और ये किससे संबंधित है। तो रिगार्डिंग द सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2019, ये करंट अफेयर से भी जुड़ा हुआ मामला हो सकता है, मतलब जब 2019 के आसपास ये आता तो हम कहते हैं कि करंट अफेयर है, लेकिन अभी ये स्टैटिक जीके में शामिल हो गया है। तो इसमें बताएं कि कौन सा 2019 का जो संशोधन विधेयक था नागरिकता में उससे संबंधित नहीं है। तो इस विधेयक को 9 दिसंबर 2019 को लोकसभा में पारित किया गया था, ये तारीख थी 9 दिसंबर 2019 की, ये पास होता है लोकसभा में, और इस विधेयक को 11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा में पास किया जाता है। राष्ट्रपति की जब परमिशन मिल जाती है तो उसके बाद 12 दिसंबर 2019 को ये विधेयक जो है ये अधिनियम बन जाता है, राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ये अधिनियम बनता है, वो तारीख है 12 दिसंबर 2019 की, और लागू कर दिया जाता है इसको 10 जनवरी 2021 को। ये पूरा इसका जो क्रम है ना, मतलब सिस्टम है, वो दे रखा है। इसमें से कोई एक गलत है, कौन सा गलत है देखिए और बताइए। तो अंतिम वाला ही गलत है, यहाँ लागू होने की जो तारीख दे रखी है वही गलत है। 11 दिसंबर 2019 को ये लोकसभा में पारित होता है, माफ कीजिए, राज्यसभा में पारित होता है, 9 तारीख को ही ये लोकसभा में पास हो गया था, और राष्ट्रपति की परमिशन मिलने के बाद 12 दिसंबर 2019 को ये विधेयक अधिनियम बनता है। 10 जनवरी 2020, यहाँ 21 जो दिया है ना उसकी जगह पे होना चाहिए था 20, 10 जनवरी 2020 को इसको लागू कर दिया गया था। तो ये लागू करने की तारीख यहाँ पर गलत दी। इसके बाद 83वें प्रश्न को देखिए, यहाँ कहा गया कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। डॉक्टर एस राधाकृष्णन यानी सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इन्होंने मौलिक अधिकारों पर संविधान सभा की बहस में हिस्सा लेते हुए कहा था कि मौलिक अधिकार हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा है और सभ्य विश्व के साथ किया गया एक समझौता है, हम लोगों के लिए ये पवित्र प्रतिज्ञा के समान है और सभ्य विश्व जो है, जो बाहर की दुनिया है, उसके लिए एक समझौता जैसा है, और भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को वाद योग्य बनाया गया है। साथ में दूसरा वाला कहता है कि तीसरा वाला स्टेटमेंट जो है वो ये कहता है कि मौलिक अधिकार केवल आपातकालीन स्थिति में ही निलंबित किए जा सकते हैं। तो अब ये सारी सूचनाएं हैं, अब इसमें आप बताइए कि कौन सा सही है। तो देखें और बताएं, ये पूरा जो प्रश्न है ना अच्छा खासा दिया हुआ है और 83वां आप देख रहे हैं, करेक्ट आंसर इसका डी होना चाहिए, इसमें सही खोजना था और तीनों ही जो कथन है वो एकदम सही है, डी को हम इसीलिए चुनते हैं। ठीक है, तीनों कथन एकदम सही है। ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन का ही कथन है जिसमें कि वो कहा गया था कि मौलिक अधिकार, मतलब उनके द्वारा कहा गया था कि मौलिक अधिकार हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा है और दुनिया के लिए क्या है, एक समझौता है। तो इसमें से डी वाले विकल्प को हमने चुना। इसके बाद प्रश्न संख्या 84, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो पार्ट 3 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है उसमें फंडामेंटल राइट्स का प्रोविजन है और उसके अंतर्गत सिटीजन जो भारतीय नागरिक है उनके लिए जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है। कहने का मतलब यह है कि भाग 3 में नागरिकों को जो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक का पूरा क्षेत्र है उसके अंतर्गत मौलिक अधिकार दिए गए, फंडामेंटल राइट्स दिए गए, और भारतीय संविधान का जो आर्टिकल नंबर 13 है उसका मेन पर्पस क्या है, मौलिक अधिकारों के संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता को सुनिश्चित करना। संविधान जो है वो सर्वोपरि है, सुपरमेसी उसकी यहाँ प्रूव करना उसका पर्पस है। तो आप ये बताइए कि सही कौन सा है। दोनों स्टेटमेंट आपने देखे, 84 आप देख रहे हैं और इसका जो राइट आंसर है वो इसमें सी हो जाएगा, दोनों ही सही है। यहां जो दोनों सूचनाएं दी है कोई इसमें ऐब नहीं और इसीलिए हम सी वाले ऑप्शन को चुन लेते हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या 85 में आपसे पूछ लिया गया कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो आर्टिकल 17 जो है इसमें एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स यानी जो उपाधियां हैं उनका अंत करने की बात की गई, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी यानी जो छुआछूत है उसका उन्मूलन करना है ये बात की गई है आर्टिकल 18 में, और प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक, अब ये निजता की जो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है उसका संरक्षण करना ये जो प्रावधान है ये दिया हुआ है आर्टिकल 21 में। सही कौन सा है देखिए,
तो 85 आप देख रहे हैं, करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा, केवल तीसरा वाला सही है, बाकी जितनी चीजें हैं वो गलत है, यहाँ उल्टा दे दिया है और इसीलिए गलत हो गया है, तीसरा वाला सही है, आर्टिकल 21 आप भी जानते हैं। देखिए आर्टिकल 18 जो है उसमें टाइटल्स जो है उनका एवोल्यूशन, मतलब उन्हें अंत करने की, उनका अंत करने की बात की गई है, और अनटचेबिलिटी का समापन करने की बात की गई है आर्टिकल 17 में, अस्पृश्यता का उन्मूलन। इसके बाद 86 को देखें, यहाँ कहा गया कि करेक्ट कौन सा है बताइए, तो 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों का शिक्षा का अधिकार एक प्रकार का राज्य का नीति निदेशक सिद्धांत है, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आता है। और भारत के संविधान के अंतर्गत आर्टिकल 24 जो है उसमें कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध किया गया है, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो आर्टिकल 24 के माध्यम से प्रोहिबिट करता है जो इंप्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन फैक्ट्री में होती है उनका, बच्चों से कारखाने में काम नहीं लिया जा सकता है, बाल श्रम का ये उन्मूलन करने की बात करता है। तो सही कौन सा है बताइए, करेक्ट आंसर इसका इसमें से बी वाला होना चाहिए, केवल दूसरा वाला सही है, पहला वाला इसमें से गलत है। दूसरा इसलिए सही है क्योंकि इसमें जो आर्टिकल का क्रम दिया है वो सही है आर्टिकल 24, लेकिन 6 से लेकर 14 वर्ष ये जो आयु के बच्चे हैं इनका शिक्षा का अधिकार एक प्रकार का मौलिक अधिकार है, ये राज्य के कर्तव्यों में नहीं आता है, ये अनिवार्य है, मौलिक अधिकारों में आता है, बच्चों का मौलिक अधिकार है, तो इसलिए हम इसमें से पहले वाले को बाहर कर देते हैं। इसके बाद 87 को देखते हैं जिसमें कहा जा रहा है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो इसमें तीन स्टेटमेंट है, पहले वाले में कहा गया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स रिकॉग्निशन टू ऑल माइनॉरिटी ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन और लैंग्वेज, जो रिकॉग्निशन ये माइनॉरिटी ग्रुप्स को देता है उसका आधार होता है रिलीजन और लैंग्वेज, और साथ में पार्लियामेंट इज कंसीडर्ड द गार्डियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स अंडर कॉन्स्टिट्यूशन, जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका गार्जियन किसको घोषित किया गया है, ये संसद को घोषित किया गया है, संसद जो है वो पूरे फंडामेंटल राइट्स की संरक्षक है ऐसा कहा जा रहा है। और तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैज कॉल्ड द राइट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज एज अ सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बताइए संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा, ये बाबू राजेंद्र प्रसाद ने कहा था, ऐसा इसमें कहा गया है, सही कौन सा है, तो सारे कथन तो सही नहीं है वो देखकर मालूम हो रहा है, इसमें से हम जो केवल पहला वाला स्टेटमेंट है उसको चुन लेते हैं जो कि सही दिया है, सभी अल्पसंख्यक समूहों को धर्म और भाषा के आधार पर मान्यता दी जाती है, भाषाई अल्पसंख्यक और धार्मिक अल्पसंख्यक, तो यही एकमात्र सही है, पार्लियामेंट जो है वो संरक्षक नहीं है, वो तो बिगाड़ने का काम अक्सर कर लेती है क्योंकि उसमें राजनीतिक पेच भी होते हैं, लेकिन जो सर्वोच्च न्यायालय है यानी सुप्रीम कोर्ट है भारत का, वो पूरे मौलिक अधिकारों का संरक्षक माना जाता है, ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय को मूल अधिकारों का संरक्षक माना गया है। साथ में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का यह कथन था कि जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है वो संविधान की आत्मा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 88 में कहा जा रहा है कि इनकरेक्ट कौन सा है बताइए, तो आर्टिकल 32 के अंतर्गत संविधान में अभी वो संवैधानिक उपचारों की बात हो रही थी तो यहाँ अनुच्छेद भी आ गया, तो इसके अंतर्गत भारत के सर्वोच्च न्यायालय को नागरिकों के मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन करने के लिए अलग अलग तरह की रिट जारी करने का अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट की रिट आप देखते हैं परमादेश और तमाम है तो उसे आप देख रहे हैं, तो वो जो रिट जारी करने का अधिकार है वो आर्टिकल 32 के अंतर्गत आता है। और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय बंदी प्रत्यक्षीकरण नाम की जो रिट है यानी हैबियस कॉर्पस उसको जारी कर सकता है, और सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन के लिए जो लेख जारी करता है उसको कहा जाता है परमादेश यानी मैंडमस। तो अब इसमें आपको देखकर बताना है कि गलती कहां पर है, सुप्रीम कोर्ट की रिट और हाई कोर्ट की रिट की बात हो रही है, साथ में वो अधिकार उन्हें कहां से मिला हुआ है वो बताया गया, पूरे प्रश्न को आप देख रहे हैं और इसका जो राइट आंसर है 88 को आप देखिए ध्यान से, डी वाला हो जाएगा, इसमें गलती ढूंढनी थी, गलती कहीं भी नहीं है, जितनी सूचनाएं हैं वो सभी की सभी सही है, तीनों स्टेटमेंट सही। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं जो कि है 89, दो स्टेटमेंट है, गलती ढूंढनी है यहाँ भी, तो देखें इसमें कहा जा रहा है कि संपत्ति के अधिकार को वैधानिक अधिकार और कानूनी अधिकार की श्रेणी में रखा गया है, ठीक है, ये जो राइट टू प्रॉपर्टी है ये असल में लीगल राइट है और सिचुएटरी राइट है। और दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज इनिशिएटेड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन केस केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाला जो मामला था उसके अंतर्गत भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। अब ये सारी सूचनाएं हैं, इसमें गलती कहां पर है बताइए, तो 89 को आप देख रहे हैं करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा, कोई भी गलत नहीं है, दोनों ही जो इन्फॉर्मेशन है वो पक्की है, इसलिए नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 90, और इसमें कहा गया गलत कौन सा है, फिर से गलती पूछी जा रही है, तो देखिए कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को भारत के संविधान के राज्य नीति निदेशक सिद्धांत के अंतर्गत शामिल किया गया है, मतलब राज्यों के लिए जो डीपीएसपी लागू किए गए हैं उसके अंतर्गत इन्हें रखा गया है, और भारत के संविधान के राज्य के संविधान में राज्य के जो नीति निदेशक सिद्धांत है यानी डीपीएसपी है कुल मिलाकर वो वाद योग्य नहीं है, मतलब उन पर कोई विवाद नहीं खड़ा किया जा सकता, उन्हें कोर्ट में नहीं घसीटा जा सकता। और तीसरा वाला जो स्टेटमेंट है वो बता रहा है कि समान काम के लिए समान वेतन का जो प्रोविजन है वो भारत के संविधान के नीति निदेशक सिद्धांतों के अंतर्गत ही सुनिश्चित किया गया है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में क्या क्या चीजें मौजूद हैं ये आपको मालूम होना चाहिए, उसी के आधार पर फैसला लेना है, और आपको ये बताना पड़ेगा कि इसमें गलती कहां पर है, तो गलती इसमें कहीं भी नहीं है, ये सारी जो सूचनाएं हैं वो सही इसमें दिखाई देती हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये सारे प्रावधान सिर्फ डीपीएसपी में ही हैं, कई जगह पे हमें ये सारे प्रोविजन दिखाई देते हैं चाहे प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से, लेकिन यहां पर सिर्फ बात हो रही है नीति निदेशक सिद्धांतों की, तो उसमें ये मौजूद है और इसीलिए हम डी वाले स्टेटमेंट का चयन करते हैं, इसमें से कुछ भी गलत नहीं। इसके बाद 91 को देखते हैं, इनकरेक्ट ऑप्शन आपको चुनना है, आर्टिकल 40 जो है उसमें ग्राम पंचायतों के संगठन की बात है, मतलब विलेज पंचायत जो है उनको गठित किया जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो प्रावधान है वो आर्टिकल 44 में है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री इसका जो प्रोविजन है वो आर्टिकल 48 में है, और सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका से न्यायपालिका का जो पृथक्करण है इसका प्रावधान हमें दिखाई देता है आर्टिकल 51 में।
ये सारी बातें दी हुई हैं, गलती की तलाश आपको करनी है, देखिए और बताइए। अब इसमें अगर देखा जाए तो जो राइट आंसर है वो डी हो जाएगा। देखिए आर्टिकल 51 में सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव ये वाला नहीं है। आर्टिकल 51 में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने की बात की गई है, मतलब इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को बढ़ाने की बात की गई। जो आर्टिकल 50 है उसमें ये सेपरेशन वाली बात है, जुडिशियरी से एग्जीक्यूटिव अलग रहेगा, उसकी बात की गई है आर्टिकल 50। इसके बाद 92 को देखते हैं। 92 में आपसे पूछा गया कि इनकरेक्ट कौन सा है, फिर से दो स्टेटमेंट। तो मौलिक कर्तव्यों को स्वर्ण सिंह कमेटी जो है उसकी रिकमेंडेशन के आधार पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया गया था। फंडामेंटल ड्यूटीज जो है उनको स्वर्ण सिंह कमेटी की जो रिकमेंडेशन थी उसी के आधार पर भारतीय संविधान का हिस्सा बनाया गया। और संविधान में जो 44वां अमेंडमेंट होता है 1978 में, उसके द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। तो बताइए इसमें से कौन सा गलत है, प्रश्न को आप देख रहे हैं 92। दूसरा स्टेटमेंट गलत है वो देखकर मालूम हो रहा है। जब मूल संविधान बनकर तैयार होता है तो उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं थी, इनकी आवश्यकता उस समय के संविधान निर्माता नहीं महसूस करते हैं। बाद में इन्हें समझा जाता है कि भाई ये भी आवश्यक है, सिर्फ आपके पास अधिकार नहीं होने चाहिए बल्कि कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। तो उसके चलते संविधान में बाद में इनको जोड़ा गया है। तो कौन सा संशोधन किया गया है वो सूचना यहाँ गलत है। असल में संविधान में 42वां संशोधन किया जाता है और वो समय था 1976 का, और उसके द्वारा ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं इसको संविधान का हिस्सा बनाया जाता है। इसके बाद 93 को देखते हैं, कहा जा रहा है कि इनकरेक्ट कौन सा है। तो प्रेसिडेंट जो है यानी राष्ट्रपति वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके अपनी शक्तियों का इस्तेमाल प्रधानमंत्री के माध्यम से कर सकता है, यानी जो प्रेसिडेंट है वो प्राइम मिनिस्टर के माध्यम से अपनी पावर को एक्सरसाइज कर सकता है, मतलब उसकी जो उसका जो प्रयोग है वो कर सकता है। राष्ट्रपति भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है, जो एग्जीक्यूटिव हेड है उसके तौर पे हम राष्ट्रपति को देखते हैं। और आर्टिकल 51 जो है उसमें हम देखते हैं कि संघ की कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं, जो एग्जीक्यूटिव पावर है यूनियन की वो पूरी तरह से प्रेसिडेंट के अंदर मौजूद होती है, ऐसा इसमें बताया गया। तो गलती कहां पर है बताइए। इसमें से सी वाले ऑप्शन को चुन लीजिए, पहला और तीसरा दोनों गलत है। पहला और तीसरा ये दोनों ही गलत है, केवल दूसरा वाला सही बताता है। लेकिन राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग सीधे कर सकता है या उनके जो अंडर में ऑफिसर है उनके माध्यम से कर सकता है, उसे प्रधानमंत्री की इस मामले में आवश्यकता नहीं है। और आर्टिकल 53 में ये जो कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है ऐसी बात की गई है, यहाँ पे दिया हुआ है 51, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत हो जाते हैं, सिर्फ दूसरा वाला सही है। इसके बाद 94 को देखते हैं, यहाँ इनकरेक्ट ऑप्शन चुनने के लिए कहा जा रहा है। तो भारत के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के प्रस्ताव को कम से कम 50 मतदाताओं के द्वारा अनुमोदन आवश्यक है, मतलब यह है कि जो पूरा प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है उसमें 50 प्रपोजर्स जो है उनके द्वारा इसे सहमति देनी आवश्यक है। अनुमोदन अगर 50 से कम मतदाताओं के द्वारा होता है तो इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। और उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि जो भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री है वो मतदान करने का अधिकारी नहीं होता है, वो वोटिंग नहीं कर सकता है। और यदि वो राज्य विधानमंडल के उच्च सदन का सदस्य हो, मतलब ऐसी स्थिति कब आती है वो वोटिंग करने का पात्र नहीं हो सकता है यदि वो राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो, जो अपर हाउस है उसमें अगर वो मेंबर है तो वो वोटिंग नहीं कर सकता है। तो आप ये बताएं गलती कहां पर है। 94 को आपने अच्छे से देख लिया, करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा, कोई भी गलत नहीं है। इसमें जो सूचनाएं दी हुई है ना सभी सही है, मतलब दोनों ही सही। इसके बाद 95 को देखते हैं, करेक्ट ऑप्शन आपको चुनना है। तो राष्ट्रपति के द्वारा जो अध्यादेश है वो संसद के सत्र को शुरू होने के सत्र शुरू होने के बाद 6 सप्ताह तक रखा जाना आवश्यक होता है, मतलब जो ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट के द्वारा इशू किया जाता है उसके लिए जो टाइम लिमिट है वो 6 सप्ताह की है संसद के सत्र के शुरू होने के बाद। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि भारत का राष्ट्रपति वित्त आयोग के अध्यक्ष तथा संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन और चीफ मिनिस्टर ऑफ यूनियन टेरिटरी, इन दोनों को अपॉइंट करने वाला व्यक्ति कौन है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग इज अपॉइंटेड बाय प्राइम मिनिस्टर, जो भारत का प्रधानमंत्री है वो नीति आयोग के वाइस चेयरमैन यानी उपाध्यक्ष को नियुक्त करता है, अध्यक्ष वो खुद होता है। तो अब इसमें आप बताइए करेक्ट कौन सा है। तो 95 को आपने देखा डी वाला ऑप्शन, यानी सभी सही है, जितनी सूचनाएं हैं वो सभी की सभी यहाँ पे एकदम परफेक्ट। इसके बाद 96 को देखते हैं, यहाँ पे इनकरेक्ट ऑप्शन फिर से, तो तीन स्टेटमेंट देख लेते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो है उसमें लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से हिस्सा लिया जाता है, मतलब डायरेक्टली ये इलेक्टेड करते हैं जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उसे। और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ये वाइस प्रेसिडेंट जो है ये एक्स ऑफिसो चेयरमैन होता है राज्यसभा का। साथ में कहा गया कि वाइस प्रेसिडेंट हमारा जो है ये रिमूव कर सकता है, यहाँ देखें उसके पद से उसे रिमूव किया जा सकता है संसद के प्रस्ताव के द्वारा, संसद में अगर कोई रिजोल्यूशन पास हो जाता है इस तरह का तो उसके बाद इसे इसके पद से हटाया जा सकता है, ऐसा कहा गया। अब गलती कहां पर है ये आपको बतानी। तो 96 आप देख रहे हैं, करेक्ट आंसर इसका सी होना चाहिए। तीसरा वाला जो कथन है वो गलत है। गलती इसलिए है क्योंकि उपराष्ट्रपति को उसके पद से अगर हटाना है तो उसके लिए राज्यसभा में प्रस्ताव आना चाहिए, ठीक है, संसद के प्रस्ताव से हटाया जा सकता है तो उसमें संसद में भी जो उसका पार्ट है राज्यसभा उससे संबंधित उपराष्ट्रपति का होता है, तो इसमें से हम संसद की जगह पे क्या रखना चाहेंगे, राज्यसभा रखना चाहेंगे। तो तीसरा वाला गलत है, बाकी दोनों सही है। इसके बाद 97 को देखते हैं, इसमें करेक्ट ऑप्शन चुनने के लिए कहा गया। तो जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें वहां से हमने लिया है प्रोसीडर एस्टैब्लिश बाय लॉ, मतलब विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया का जो प्रावधान भारतीय संविधान में है वो जापान के संविधान से लिया गया है। ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट ये जो प्रोविजन है ये हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। यूनाइटेड स्टेट का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहां से हमने जुडिशियरी की इंडिपेंडेंस को मजबूत किया है, मतलब न्यायपालिका स्वतंत्र है ये प्रावधान लिया है। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कैबिनेट सिस्टम उठाया है। तो आप ये बताएं कि गलती कहां पर है, संविधान में अलग अलग जगह से हमने भिन्न भिन्न चीजों को लिया है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। देखिए
आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ये चीज नहीं ली है, संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होती है ये प्रावधान हमने ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से उठाया है, ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान की विशेषता है। प्रश्न संख्या 98, इनकरेक्ट ऑप्शन चुनना है, दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं। तो 31 नंबर का जो अमेंडमेंट होता है 1972 में, लोकसभा की सीटों की संख्या वहां पर इंक्रीज कर दी जाती है, ये 525 से बढ़कर 545 हो जाती है। और 61वां जो अमेंडमेंट होता है 1989 में, उसमें लोकसभा और राज्य विधानसभा जो है, यानी जो लोअर हाउस है हमारी संसद का और उसके अलावा जो राज्य विधानसभाएं हैं यानी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, उनमें चुनाव के समय मतदान की आयु को 21 से घटा दिया जाता है और कर दिया जाता है 18। अब वोटिंग की जो एज है वो पहले कितनी थी, 21 थी, लेकिन ये वाला जब अमेंडमेंट होता है 61वां, तो उसके बाद वो हो जाती है 18। आप बताएं कि गलत कौन सा है, 98 करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, इसका डी होना चाहिए। कोई गलत नहीं है, दोनों सूचनाएं एकदम सही है, दोनों ही सूचनाएं एकदम सही है। तो जो संशोधन अधिनियम है महत्वपूर्ण वाले वो आपको मालूम होने चाहिए। प्रश्न संख्या 99, करेक्ट ऑप्शन आपको चुनना है, 100वें नंबर का संशोधन होता है संविधान में और ये होता है 2018 में। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को एक संवैधानिक दर्जा मिलता है और इसे 1993 में संसद के द्वारा एक अधिनियम के द्वारा स्थापित किया गया था। तो स्थापना का समय दिया है और इसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त होता है वो समय दिया हुआ है। साथ में कहा गया कि 101वें नंबर का जब संशोधन होता है तो देश में जीएसटी की जो व्यवस्था है उसका मार्ग खुल जाता है, मतलब जीएसटी लागू करने का जो सिस्टम है वो वहां से ओपन हो जाता है। तो आप ये बताएं कि सही कौन सा है, दो अलग अलग संशोधनों की बात हो रही है और इसमें केवल जो दूसरा वाला स्टेटमेंट है वही सही है, पहला वाला गलत है, गलती क्या है वो भी हम देखते हैं। तो देखिए 102वें नंबर का संशोधन होता है, 102 नंबर का अमेंडमेंट होता है और ये होता है 2018 में। इसके माध्यम से पूरी तरह से जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है वो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को प्राप्त हो जाता है और इसकी सेटलमेंट जो है वो 1993 में एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट के माध्यम से हुई थी। तो ये पहला वाला गलत हो जाता है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये दूसरा सही है। और अंतिम प्रश्न को देखते हैं, हमने शतक पूरा किया, इसमें कहा जा रहा है कि गलत विकल्प का चयन करिएगा। पूरे प्रश्न को हम देखेंगे, पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। तो कहा गया कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से संसद के दोनों सदनों के प्रति उत्तरदायी होती है, ठीक है, और यदि लोकसभा के सदस्यों के द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है तो मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है, ये मजबूरी हो जाती है। और मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा में सदस्यों की संख्या कम से कम 50 होनी चाहिए। अब ये सारे मामले यहां पर दिए हुए हैं, आपको गलती की तलाश करनी है। तो पूरे प्रश्न को आपने देखा, विकल्प देख लीजिए, देख रहे हैं करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें ए होना चाहिए। यहाँ पूछा गया था कि कौन सा गलत है, तो केवल पहला वाला जो स्टेटमेंट है वो गलत है और इसमें से हम जो ए वाला ऑप्शन है उसको चुनते हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ठीक है, ये किसके प्रति उत्तरदायी होती है, लोकसभा के प्रति, ना कि दोनों सदनों के, केवल जो लोअर हाउस होता है उसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है। बाकी जो दोनों स्टेटमेंट दिए हुए हैं वो एकदम सही है, तो इसीलिए हमने ए वाले कथन का, मतलब ए वाले विकल्प का चयन किया है। और यहाँ पर ये मॉक समाप्त होता है, तब तक के लिए नमस्कार।